you. Yeah. वो मेरा childhood friend आया था, तो हम याद कर रहे थे कोई बात, बात करते करते ध्यान में आई, तो इसलिए गलती से happy नजर आ रहा हूँ आपको. वैसे नाम उमंग है मेरा, बता दूँ. नाम अच्छा रखा आपके आपके parents ने, बहुत unique. नहीं, parents ने parents ने रखा था, ये मेरी mother की एक friend थी, उन्होंने रखा था. तो उनको पता नहीं था, क्योंकि मैं तभी तभी पैदा हुआ था, कि ये बड़ा हो के क्या करेगा. तो मैं आधा दर्जन बहनों के बाद पैदा हुआ था. तो फिर उन्होंने कहा कि घर में उमंग आई है, तो इसका नाम उमंग रख देते हैं. लेकिन पता नहीं था कि पैदा हो गया ये क्या करेगा. तो बस अब जो हो गया सो हो गया. सर अब ये बताओ, क्वेश्चन अभी पूछूं या बाद में? बाद में पूछ लेना, ठीक है? एंड लास्ट में आपके भी क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा, है ना? मेरी मजाक करने की आदत तो है नहीं. नहीं सर, वो मुझे पता है. अच्छा, मजाक करके पढ़ाते हैं, पता चल गया. अच्छा, ये मुझे नहीं पता था. चल ठीक, अच्छा मैं बहन. अच्छा अच्छा बैंड. हाँ सर, सर बिल्कुल सही बात है, मायावती वाली फीलिंग आती है जब भी आप. अच्छा चलो ठीक है ना, तो बोलूं क्या भाई, ये भी तो बता रहा सर. नाम यू नो एवरीबॉडीज नेम, यू कैन कॉल बाय नेम. एक्चुअली क्या है गरिमा जी, यूरोप में और इंडिया में, इंडिया में हमारे संस्कारों में कह लो या जो आदतें पड़ गई हैं, कोई भी होता है आता है तो मैं सर ही मेरे मुंह से निकलता है. ठीक है, कोई भी आदमी छोटा हो बड़ा हो. अच्छा, मुझको मेरी मतलब जो है उम्र की फीलिंग नहीं होती, तो छोटा भी होता तो मुंह से सर निकल जाता है ना. आज का पता नहीं भैंजी वाली गंदी आदत पड़ गई है मेरे को, ये मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ. लेकिन वो है कि आदत नहीं होती कि नाम से बोला नहीं ना, अभी आदत है नहीं. तो हमारे हम छोटे होते थे, तो हमारी अभी हमारा स्कूल का फ्रेंड है ना, तो वो आया था. तो क्योंकि वी वर फॉलोइंग द ब्रिटिश इंग्लिश, तो उन्होंने कहा इट इज क्या कहते हैं कि वो अगर किसी को सरनेम से बुलाया जाए तो इज्जत मानते हैं जो वेस्ट में, लेकिन अमेरिका में नाम से बुलाते हैं. क्योंकि ये एक है प्रोटेस्टेंट्स और एक है कैथोलिक्स, तो जो कैथोलिक्स करेंगे प्रोटेस्टेंट उससे अलग करते हैं. तो अब जैसे मेरा नाम उमंग है तो मिस्टर तनेजा हो गया, तो मतलब मेरे को रिस्पेक्ट दे दी इसमें, ठीक है. और अगर अमेरिका में जाएंगे तो सीधा उमंग बोलेगा, मतलब छोटे से छोटा बच्चा जो है, जो 2 साल का बच्चा भी होगा, मैं अपने दादे को ही बोलेगा आई एम उमंग की हाल तेरा. वो ऐसे ही बोलेगा जैसा उनकी संस्कृति है. वो संस्कृति ब्रिटेन में भी नाम से ही बुलाते हैं, यहाँ भी छोटे, यहाँ भी टीचर्स को बच्चे नाम से ही बुलाते हैं. बदतमीज हैं, उनको बदतमीजी सिखाई जाती है, वो कुछ नहीं कर सकते. मैं स्पष्ट बात बोलने का आदि हो गया हूँ, कई बार नहीं भी बोलता, लेकिन ज्यादातर मुंह से स्पष्ट ही निकलता है. ये बदतमीजी है, अगर आप टीचर को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो कोई फायदा नहीं है. ये बहन जी, ये सॉरी बहन जी नहीं सॉरी गरिमा जी, ये लिखना ना वन, इट इज सो इजी फॉर मी, बट व्हेन आई कुडंट राइट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो सम टीचर टॉट मी दिस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू राइट दिस. अब तो मेरे को याद भी नहीं उस टीचर का, स्टैंडिंग स्लीपिंग व्हाटएवर. कमाल है, तो हम किसी रिस्पेक्ट, हमारे यहाँ तो देश के अंदर पत्थर को पूजा जाता है, इंसान की इज्जत ना करें. मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं टीचर हूं तो आप टीचर की रिस्पेक्ट करो, मैं इसलिए नहीं कह रहा. आप मेरे स्टूडेंट हो, आई शुड रिस्पेक्ट यू ऑल्सो, वो मतलब नहीं है. ये मतलब तरीका गलत है वेस्ट का और ईस्ट का. मतलब धीरे धीरे पता नहीं मेरे खुजली बढ़ती जा रही है आजकल, कि धीरे धीरे मेरे मुंह से ऐसी चीजें निकलती रहती है. मतलब मैं तो वैसे तो ज्योतिष का टीचर हूँ, लेकिन ये निकलती रहती है चीजें. ये मतलब ये मूर्खता है, ये समाज को हम जो है ये गर्त में ले जा रहे हैं. जो हमारे यहाँ पर जो प्रथा है ना, देखो वहां पर और हमारा जो समाज है बिल्कुल डिफरेंट है. हमारे और उनके समाज में बेसिक डिफरेंस क्या है, बाकी और डिफरेंस है, इनमें से एक और जो बेसिक, वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस है कि एक माता पिता का डर, ठीक है ना. तो हमारे माय फादर वॉज ए, मेरे को अभी कोर्ट गया था, तो मेरे कजन चाचा जो है ना, तो वो इज अ लॉयर, ही मेट मी देयर, ही डिडंट रिकॉग्नाइज मी, वेरी ओल्ड.
तो मैंने अपना नाम बताया तो स्टिल डिडंट रिकॉग्नाइज मी देन आई टोल्ड माय निकनेम तो फिर देन ही रिकॉग्नाइज मी तो बोलता है योर फादर वाज अ टेरर माय फादर वाज अ टेरर एक्चुअली बट वो मेरे फादर ने कभी मेरे को डांटा भी नहीं हमारी माँ यही कहती थी देख ले फिर पिताजी आ जाएंगे ना बस इतना डर काफी था कभी भी मैंने कोई नोटोरियस काम कर लिया वो तो डर होता था घर के अंदर मतलब ये ठीक है तो कभी कोई बच्चा जैसे यंग होता है कोई गलती कर जाता है तो माँ ही रहता है और पापा आ जाएंगे और पापा ये कहते देख मम्मी आ जाएगी करता कोई कुछ नहीं था ठीक है ये डर जरूर होना चाहिए मन में ठीक है लेकिन मुझे कोई डर था तो मुझे लगा कि ये बच्चों में डर नहीं होना चाहिए मेरी अपनी सोच से तो आई एम वेरी ओपन विद माय चिल्ड्रन बट आई एम वेरी डर होने में कोई बात है बाप ही है ना पड़ोसियों का बाप है तो बट माय चिल्ड्रन रिस्पेक्ट मी मतलब हैट्स ऑफ टू देम कि वो मेरे रिस्पेक्ट करते नहीं करेंगे तो मैं क्या उखाड़ लूंगा उनका ठीक है ना अब उसके बाद होता है समाज का डर गलियां होती थी घर में तो गलियों के बाहर जो बुजुर्ग होते थे बिल्कुल रिटायर के बाद भी रिटायर हो जाते वो डंडा लेके चारपाई पे बैठे रहते थे जो मतलब जैसे हो गए ना सरपंच टाइप वो नहीं हो गए जो कैमरास जो सीसीटीवी कैमरास बन के वो कुछ नहीं कहते थे किसी लेकिन उनका डर होता था कि भाई ये जो है ना फिर डरा देती मम्मी हमें पापा से नहीं तो फिर ये अब वो क्या करते थे किसी को नहीं पता था हमें पता भी नहीं था ये बुड्ढे उठ भी नहीं सकते बेचारे ठीक है डर होता था उससे डर से क्या होता है कि कोई गलत काम करने की मन में मंशा वगैरह है तो वो रह जाता इसके बाद है भगवान का डर रात्रि के समय कोई चीज बड़ी मिल गई रुपया 100 रुपया 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये या कोई गलत काम ये कोई नहीं भी है पता भी नहीं चलेगा तो एक भगवान का डर भी भगवान देखता है जो इन चारों डरों से निकल जा रहे तो राजा का डर तो उसको राजा का डर करना पड़ेगा राजा का मतलब देन वी हैव टू लॉन्च एन कंप्लेंट इन दी पुलिस स्टेशन बट जो लॉ लेकिन जो वेस्ट में है कि अगर बाप ने डांट दिया बच्चे को तो बाप सीधा 9/11 घुमाता है पापा ने डांट दिया ये हमारे यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि दादी गई बेचारी कनाडा ठीक है ना पोता पोती हुए 2-3 साल में बेचारी वो मिला क्या नाम है वीजा वीजा कौन सा आसान है मिलना भी कनाडे का वो 3-4 साल का बच्चा होगा ठीक है ना तो वो गया होगा स्कूल ठीक है तो उसने कुछ बोल दिया अभी दादी से टंगा तोड़ देंगे तो टीचर वो कैनेडियन थी उसने पंजाबी ट्रांसलेटर बुलाया उसने बोला दादी से ही विल ब्रेक द लेग्स वो दादी अंदर पुलिस ने तो दादी अंदर कर दी हमारे यहाँ तो रोज माँ बोलते तेरी ऊपर से नीचे उतर नहीं तो तेरी टंगा तोड़ देंगे बाहर निकल से ही मैं तेरी टंगा तोड़ दिया ये तो नॉर्मल सी बात है भाई टंगा तोड़ दिया वहां पर हर चीज में कंप्लेंट जो है वो एक ने क्या दादा था घर में तो माँ बाप घर आए तो पहले भाई बच्चा तो अपना खेल रहा है दादा है नहीं घर अब इधर उधर ढूंढा दादे वो दिखा नहीं उसने बच्चे से पूछा कहाँ भाई दादा वो तो मैंने कंप्लेंट की पुलिस उठा के ले दादे ने कह दिया भाई कूद मत या फलाना मत करे उसने कहा भाई दादा तो अंदर ये जो समाज है इस समाज की वजह से वहां पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते वहां ये कहते हैं टॉलरेट नहीं कर पाते अभी आपने समझा दिल्ली इंडिया के अंदर इंटॉलरेंस एक्सेप्टेंस टॉलरेट का क्या मतलब मैं आपको टॉलरेट करता हूँ क्या अभी क्या आपने बीवी को टॉलरेट करते हो क्या आपने पड़ोसी को टॉलरेट करोगे नहीं ना एक्सेप्ट करोगे शब्द ही गलत ये शब्द गलत ही निकालते हैं ये वेस्ट के लोग तो हमारे यहाँ पर जो ये एक आपसदारी का माहौल आप देखोगे कि यहाँ पर जाएगा आम वाले से आम खरीदे जब मेरी बीवी गई उसने कहा आम कैसे दिए तो उसने कहा 25 रुपए किलो 35 लगा तो 35
मैं कहा मंजू वो 25 कह रहा है, नहीं तू 35 लगा, तुम मत बोलो तुम्हें नहीं पता। भाई मुझे तो नहीं पता बट तू, वो उसने फिर समझाया मैडम 25 का मतलब है 25। उसने कहा ठीक है फिर ठीक है फिर तू 20 लगा, 20 लगा 20 नहीं मतलब हम कहने का मतलब क्या है कि हम जो है अभी इंटरेक्ट विद पीपल एंड गवर्नमेंट जो है हमारी डरती नहीं कि पीपल आर इंटरेक्टिंग अमंगस्ट themselves. Invest. Government doesn't want that people interact with each other. अगर आपने टिकट खरीदनी है तो आप जाओ वेंडिंग मशीन है टिकट निकाल लो, टिकट उसमें डाल दो और बाहर निकल जाओ। सामान खरीदना है उसका देखो कितना रुपया, चुर चुर करो निकल जाओ। इंडिया में ऐसा नहीं है, बात करते लो तुम बात नहीं करते, अगर बात करेंगे तो पता नहीं क्या क्या बातें कर लेंगे। तो बट हियर वी हैव दिस थिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है हमारे देश के अंदर। ये तीन का डर जिसके आमने से खत्म है तब उसको राजा के डर के पास, चोर भी होता ना हमारे यहाँ तो मोहल्ले वाले पीट पाट के भेज देते हैं उसको, कोई एफ आई आर नहीं कटवाता, उनको लग के आप इतना तो मार के बेचारे अपने आप सुधर जाएगा। फिर दो तीन चार बार नहीं सुधर तो पांच दिन जाते ही, तो ये चलिए एनी वे तो मैं बोलते रहता। अब आ जाते हैं यहाँ बात करते करते वो चोर की बात कर रहे थे। तो एक तो हमने बात की थी कि भाई डकैती किसके घर में पड़ेगी, तो चोर भी डकैत की बात करते हैं, या कत्ल किस मतलब सॉरी रेप कौन करेगा, या ज्यादा एग्रेसिव नहीं करेगा नहीं सॉरी मतलब कौन आदमी है जो जिसके ऊपर हादसा हो जाता है, जैसे डकैती हो जाती है कुछ गलत काम हो जाता है, लेकिन जो करने वाला है वो क्या होगा। सो दिस इज व्हाट आई लाइक टू एक्सप्लेन, है ना। तो विक्टिम वो विक्टिम का तो हो गया था, वो हमने कहा ना कि ये आदमी है तो ये आदमी क्यों है डकैती पड़ेगी 7-8-12 प्लस राउंड पे, लेकिन डकैती करेगा तो वो रहेगा। मैंने कहा था लिटिगेशन में करेगा, तो ये नीचे मैं पॉइंट्स लिख रहा हूं, ये ऑल दीज पॉइंट शुड बी सेटिस्फाइड फॉर अ हॉरोस्कोप ऑफ अ मर्डर। पहले हमें देखना है असेंडेंट, एनालाइज असेंडेंट। तो वॉटरी असेंडेंट विल किल अ पर्सन एक्सीडेंट में हो सकता है। आप कार चला रहे हो, कार बेकाबू हो जाए, एक्सीडेंट रन्स ओवर समबडी, ये सब प्रेडिक्ट। बट वॉटरी असेंडेंट पर्सन विल नॉट बी एबल टू हर्ट एनीबडी। मर्डर तो बड़ी दूर की बात। सॉरी सर क्या मैं सुना नहीं, वॉटरी असेंडेंट कौन से? वो तो सब वो होते हैं स्पाइसेस और जो होते हैं वही वाले स्पाइसेस होते हैं, स्कॉर्पियो होते हैं सर, और फोर्थ इज मून। हां जी ठीक है, कैंसिल होते हैं सर एंड बस करो और कितने करेंगे, ठीक है यही हो गया। हां जी फिर हो गया, मैं थोड़ा रिकॉल करने में टाइम कोई ना ठीक है। घर में अगर कोई चीज लगाई है बीवी ने तो हमें भी रिकॉल करने में देर लगती है, उसमें कौन सी बात होगी नई चीज बता रहे यार, सबके अपने इंटरेस्ट की बात थी ना। वॉटरी असेंडेंट की पॉसिबिलिटी कम होगी क्योंकि वो इमोशनल, वो भावुक है तो वो देख नहीं पाएगा, ठीक है। वैसे भी अगर 2 साल का बच्चा हो तो मतलब 2 साल का बच्चा है उसके हाथ में चॉकलेट है तूने छीन ली तो क्या होगा, रोएगा, तेरी क्या हालत होगी, वापिस तो करेगा तो फिर भी रोता रहेगा, तेरी क्या हालत होगी, मैं ये हम 2 साल के बच्चे की चॉकलेट तक नहीं छीन सकते, ये भी डर है उसकी माँ ने देख लिया वो भी पीछे पड़ जाएगी, बच्चे को बता दिया वो भी सर्जन निकालनी है, दैट इज अ ट्रीटमेंट। बट हाँ दिस इज राइट कि ये
घबराएंगे किसी को कट लगाने में या किसी को हर्ट करने में. सर्जन बनने के लिए हिम्मत ज्यादा चाहिए. वॉटरी असेंडेंट वाले को दिल पक्के करने के लिए, क्योंकि जो MBBS में मतलब ये करते हैं कि लाश दिखाते हैं फिर उसको गार्ड करके तो काफी बच्चे हो जाते हैं वो गश्ताई के लिए. तो ज्यादातर वो वॉटरी असेंडेंट के होते हैं या जिनके टू जाना हो. टू का मतलब हो गया जैसे 22 तक टू ज्यादा हो गए ये कोलैप्स कर देते हैं. एग्जाम्पल दिया टू ज्यादा हो जैसे हो गया सर 12 दिसंबर टू ज्यादा हो एक से ज्यादा टू. ये आसानी से कोई विभत्सित या कोई हिंसक कार्रवाई इनके लिए बड़ा मुश्किल. ठीक है वॉटरी हो रही बाकी इज पॉसिबल. बाकी क्या रहेगा फायरी एयरी एंड अर्ली. इसके बाद है एनालाइज लॉर्ड ऑफ असेंडेंट. प्लैनेट्स इन इन दोनों में से कोई भी सैटर्न वाला. तीसरा सर ब्लैक बोर्ड ना वो नहीं है विजिबल नहीं हो रहा. मतलब उसमें फ्रेम नहीं में नहीं आ रहा क्या. नहीं नहीं वो धुंधला दिख रहा है सर. बेटर है कुछ. हाँ जी सर. एनालाइज ऑल प्लैनेट्स मेजॉरिटी प्लैनेट्स सात आठ बार. चौथा BBA सात आठ बार. पांचवा दशा मास ये पांचों के पांचों जो कंडीशंस हैं पांचों कंडीशन मीट होंगी तभी आदमी कदम करेगा. एक तो उसका असेंडेंट कर्म तीव्र कर देगा कर्म अग्रेसिव. फिर उसका मेजॉरिटी ब्रांड 7, 8, 12 वो एग्जांपल तो मैं बताऊंगा. फिर मैक्सिमम ब्रांड 7, 8, 12 होता है. अब जो मर्डरर होता है वो सारी जिंदगी तो मर्डर करता नहीं. ठीक है डकैत होता तो क्या होता है कुछ टाइम के लिए डकैत होता है. या तो वो दूसरे डकैत मार देते हैं उसको या पुलिस मार देती है या वो अरेस्ट हो जाता है या वो सरेंडर कर देता है. यही होता है. अब देखो डाकू फूलन देवी फर्स्ट शी वॉज मास रेप देन शी किल्ड पीपल मर्सीलेसली देन शी सरेंडर्ड एंड देन शी वॉज किल्ड अल्टीमेटली. ठीक है तो सारी जिंदगी तो आदमी करता नहीं. आर्मी में भी जाएगा आदमी कितने साल लड़ाई. सर ये आपने दशा के बाद क्या लिखा है. तो दशा के बाद लिखा है मार्स दशा ऑफ मतलब दशा का मतलब है दशा मंगल की हो. सारा समझ दिख नहीं रहा सर पता नहीं क्यों. वो मैंने लिखा ही ऐसे गुच्छड़ मुच्छड़ था. और इस सबसे नीचे क्या लिखा है सर आपने फिर. डी अब्लिक बी लिख दिया मैंने. डी अब्लिक मतलब दशा और भुक्ति है. ठीक है सर ठीक है ठीक है. अंतर का जरूरत नहीं है. नहीं अंतर तो तीनों होने चाहिए. ओहो ये साधन बना रहे एट लॉर्ड सर. ओ गलती से साधन बना लिख गया था ये कि अब मेजोरिटी में साधारण बनाने दशा भुक्ति अंतर. अब किस कब मारेगा तो हम ये भी डिस्कस करेंगे. सारी जिंदगी तो मारता नहीं. हार्डली वो 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीने इतना ही मार पाता है. सारी जिंदगी तो मार नहीं पाता. अगर लड़ाई भी होती है तो कितनी लड़ाई हो जाती है. आदमी जो है वॉर फ्रंट में कुछ महीने ही रह पाता है. अब ये तो 5 साल या 6 5 5 साल के जो ये
वर्ल्ड वॉर्स में, ये तो फिर बाय चांस वाली बात है, अदरवाइज तो इतने साल आदमी वॉर फ्रंट में नहीं रहता। ठीक है, फिर है कि जो दशा, इसके बाद है कि दशा भी है कि दशा मंगल की ही होनी चाहिए तभी होगा, या एर्थ लॉर्ड की हो या ये प्लेनेट हाउस में बैठा हो तभी मारेगा, अदरवाइज नहीं मारेगा, फिर बारह चलता है, कत्ल की बात करते। सर सेवेंथ क्यों लिया है हमने? सेवन है ओपन एनिमी, आठ ओके रिजल्ट, बारह था लॉस, लॉस ऑफ रेपुटेशन, जो मैंने शुरू में समझाया है ना, ये मैंने शुरू में समझाया। सात आठ बारह एग्रेशन सारी बातें कर लो। अब ये तो हो गया आर्म मर्डर, इट कैन बी एन आर्मी मैन ऑल्सो। इसके बाद होता है टेररिस्ट, इसके बाद एक और होता है मार्टियर। ठीक है, टेररिस्ट, टेररिस्ट में ये सब होंगे, और उसमें एक एडिशनल फीचर होगा, वो है मार्स एंड प्लूटो इन असेंडेंट और सिग्निफाइंग शिरा द्वारा सब। फाइव टेन जो होता है इट इज डिटर्मिनेशन। जो मार्स प्लूटो है वो अगर असेंडेंट में या थर्ड हाउस में होंगे तो ये आदमी ज्यादा हिंसक होगा। प्लूटो इसलिए होता है, प्लूटो है बड़े सारे मंगल, टेररिस्ट जो होता है वो छोटी मोटी वारदात नहीं होता, इट इज नॉट बिजनेस का कत्ल कर दिया उसका कर दिया। ये हो गया 146 आदमी मर गए, 170 मर गए, 20 मर गए, 40 मर गए, टेररिस्ट तो ऐसे मारते हैं। प्लूटो का जो है ये मंगल का विकराल रूप है, तो इट जो ये जितने भी है ना यूरानस, यूरानस नेपच्यून प्लूटो, ये मुंडेन इवेंट करते हैं। मुंडेन इवेंट का मतलब है जो हिस्ट्री में लिखा है, वैसे जेसिका लाल मर्डर केस भी लिखा जाएगा, बट इट इज मर्डर ऑफ वन। ये तो इसलिए रोला मच गया क्योंकि जेसिका लाल वाज अ मर्डर, और बहुत लोगों के दिल टूट गए, कोई रीजन और कोई बात नहीं, औरत थी लड़की थी, उसमें क्या फर्क पड़ गया? इतनी औरतें कत्ल होती है, तेजाब डाल के मार देते हैं, इससे ज्यादा हिंसक मतलब गलत काम हो रहे हैं, लेकिन वो रोला क्यों नहीं होता? क्योंकि शिवा से मॉडल, मॉडल मरेगी तो सर दिल पे चोट लगती है, सनी लोनी मार जाए तो सबके लगेगी दिल पे चोट, वही वही है और कुछ ना, या तो औरत है मर गई मॉडल थी अपनी। बट जो बॉम्बे पे अटैक हुआ है, ये पुलवामा का अटैक हुआ, ये एक्चुअल में मुंडेन इवेंट्स जो असर करें यार, मतलब ये तो समझ रहे ना दोनों में डिफरेंस। तो ये जो है ये काम है प्लूटो का, फर्स्ट दे विल, ये अब ये जेसिका लाल का क्या हुआ कि इट वाज नॉट अ प्लान मर्डर। अब वो दोनों के पक्षों की बात अलग है, बट ये है कि उस समय गुस्सा आया, उसने पिस्टल निकाली मार दी, आपस में झगड़ा जो भी था लेकिन ये जो बॉम्बे का अटैक है, दिस इज फर्स्ट प्लैंड देन अटैक। पुलवामा का फर्स्ट इज प्लैंड देन अटैक, तो प्लूटो का काम वही है, प्लान एंड देन अटैक। ठीक है, और ये जो है ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, उसके साथ एक और भी है ग्रुप एक्टिविटी। प्लान और अटैक गोली कैसे कर सकती है? ये क्या नाम है टी सीरीज का मालिक कौन है? क्वेश्चन हुआ उसको तो प्लान और अटैक, लेकिन ग्रुप एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, टू किल अ ग्रुप, किल लॉट ऑफ पीपल, ये इसके बाद वाले जो चीज है जो मैंने आपको बताई थी वो है। पर ये थर्ड हाउस सिग्निफाइंग 6 से 12 एक बार, या फर्स्ट हो या थर्ड हो, एंड सिग्निफाइंग 6 से 12 मींस रिलेशनशिप प्लूटो में और मंगल में 6 8 12 या 7 8 12, प्लूटो और मार्स के अंदर।
अच्छे हाउस ना हो ना, वही झगड़े के हाउस। मल्टीयर, मल्टीयर का मतलब हो गया जैसे चंद्रशेखर आजाद। अब इसमें और इसमें क्या फर्क होगा कि बॉम्बे में किसको मार रहे हैं, वी डोंट नो, किस लिए मार रहे हैं, वी डोंट नो, बट चंद्रशेखर आजाद किसी को मारा ही नोस। उधम सिंह पता था, उधम सिंह बता दी, ठीक है, उधम सिंह किल्ड जनरल डायर पर पर्पस, वो ऐसा नहीं है भी किसी को भी मारे जाए, यानी किल उधम सिंह में किल्ड जनरल डायर देयर अदर अदर्स आल्सो प्रेजेंट, ही डिडंट किल एनीबॉडी एल्स, ये पर्पस है, पर्पस फॉर अपने देश के लिए, पेट्रियोटिज्म के लिए अपने। तो ये हो गया पेट्रियोटिज्म, इसमें जुड़ेगी तो ये जो टेररिस्ट है उसके अंदर ये भी जुड़ेगा, 510 जुड़ेगा, प्लस ये जुड़ेगा, मार्टियर में 49 इन मेजोरिटी प्लेनेट्स। मार्टियर में 49 और जुड़ जाएगा, इसका मतलब उसकी डिटर्मिनेशन है जनरल डायर को मारने की। उन्हें 10 साल पता नहीं कितने साल लगाए, वहां गया उसको ढूंढा, पार्टी में देखा, पिस्टल लगा ली और उसको मारा। तब शिफ्ट जाएगा कोई लोग मतलब इंग्लैंड, तब 8 घंटे की फ्लाइट नहीं होती, फिर अब 9:30 हो गई होगी, पाकिस्तान के थ्रू नहीं जा रहे, बता दूं मैं अजनी में जाना, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्डिनरी मर्डर, ये हो गया टेररिस्ट, ये हो गया मर्डर, ठीक है। तो आप कैसे जो मर्डर आपने दिया है फोल्डर से छापेंगे या कंपेयर करेंगे तो कॉमन आएगा, नहीं वो थोड़ा सा उसके अंदर पेट्रियोटिज्म इसमें फिर ऐड हो जाएगा, पेट्रियोटिज्म ऐड हो जाएगा, बाकी हो गए सारे, हां 12 के मार रहे हैं इधर चल जाएगा सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। दाऊद इब्राहिम हैज हिज थर्ड लॉर्ड इन द 10th हाउस प्लूटो, क्या सर जी? दाऊद इब्राहिम गैंगस्टर हैज हिज थर्ड लॉर्ड प्लूटो इन द 10th हाउस एग्जाल्टेड। आई एम टॉकिंग ऑफ सम नॉट कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी बट इट फिट्स इन दिस व्हाट यू आर शोइंग। आप जो मूव्स बताए दाऊद सर, दाऊद का मैंने कभी देखी नहीं और उसको, और ये जो होती है ना सर, जो बासी जो हर जो इस पे मीडिया में अवेलेबल है उनके ऊपर टाइम ऑफ बर्थ में मतलब पक्का वही होगा, श्योरिटी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सॉरी डेट ऑफ बर्थ मेजर ठीक होगी लेकिन टाइम ऑफ बर्थ एग्जैक्ट होगी ये पक्का नहीं है सर। मेजोरिटी में डेट ऑफ बर्थ ठीक होनी चाहिए, है ना। अब मेरा सर, मेरी डेट ऑफ बर्थ 29th April 1964, ये मेरी ऑफिशियल है, 22nd April 1964। स्कूल में पढ़ता था तो जैसे 10th का एग्जाम था तो उन्होंने कहा अपनी डेट ऑफ बर्थ, उन्होंने कहा 22 कर लो, 29 है तो प्रूव कर लो, मम्मी डैडी से वो लेके आओ। मैं कहा तुम 22 कर लो ना, अपने बाप का कह जा रहे हैं, तो मेरा 29 है, तो अगर मेरी वैसे ढूंढी जाएगी तो 22 निकलेगी, तो ये गलती हो सकती है। अब ये जो मीडिया में अवेलेबल है ये कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये नहीं है, जो हम एग्जैक्टली जानते हैं जिन लोगों से मिले उनकी तो पक्की है हमारे पास, ये मैं कह रहा था। कहाँ गया है इनके, तो 10-15 साल की साल हो गए, ठीक है ना। वो फिर जैसे मार्स है तो उनका जो है मार्स है तो 7 साल की दशा तो इनमें कंटिन्यू रहेंगे, बट ज्यादा साल कम ही लोग कर पाते हैं, वो इसमें फिर वो गैंगस्टर बन जाता है। आया नहीं एक दिखा देता हूँ, मेरे काफी दिन से मेरे पीछे बढ़ाओ, बुला लो बुला लो, मेरा डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, मैं दिखा देता हूँ।
पर ये दशा में मार्स होना इज मस्ट एवरी टाइम. नहीं, एक बार दशा शुरू होगी तो सात साल तो रहेगी. हाँ, सर ये मार्केट का कॉम्बिनेशन है, ये आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है या समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से है? सर आपको पॉइंट क्वेश्चन नहीं समझ पाया. सर मार्टियर का कॉम्बिनेशन ये उस आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है या समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से है? समाज मतलब वो मतलब जो जिसने कत्ल किया उसको बाकी के लोग समझते होंगे कि ये खूनी है, बट ही माइट बी अ मार्टियर. यस यस. 4-9 का मतलब होता है सर, 4 का मतलब है पेट्रियोटिज्म, 9 का मतलब भी है पेट्रियोटिज्म. ओके, तो उसकी जन्म पत्री में 4-9 है, ही इज अ मार्टियर by looking at his chart, but the no. 4-9 is patriotism, but if he also has this and then he becomes a martyr, then he also and a martyr also. Okay, maar to Udham Singh ko maar to denge hi na, ultimately chodenge thoda usko. So isme ascendant bhi Scorpio hai, thoda interesting case ho jayega. So eighth lord bhi ho jayega wo, aur first lord bhi ho jayega Mars. और यदि वो लोकेटेड है दोनों में से किसी एक में, प्लूटो के साथ में मान लीजिए लोकेटेड है वो एसेंडेंट में, तो वो केस तो पे आप कह रहे हैं कि वाटरी साइन हो गया, तो वो जैसा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ सर वाटरी साइन का मुश्किल, मैंने डिनाई नहीं किया, कर सकता है कोई भी कर सकता है सर. जो ज्यादा लोग इमोशनल होते हैं उन्हीं के कत्ल करने के संभावनाएं अधिक होती है. मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ये एग्जाम्पल नहीं है ये सच बात. पंजाब में ये कहते हैं जो पाकिस्तान है उसमें एक स्टेट है, चार स्टेट्स हैं पंजाब पाकिस्तान की, एक है पंजाब, एक है बलूचिस्तान, एक है सिंध, एक है खैबर पख्तूनख्वा NWFP. हम NWFP वहां गए, डरना मत. वहां के लोग होते हैं भोले, पठान भोले. भोले का मतलब ये है कि अगर हमारे घर में आप आ जाएं और आप हम बोले कि बाहर पुलिस खड़ी है आपने हमें बचाना, हम आपको मेहमान मानते हैं, हम अपनी जान दे देंगे, पुलिस आपको पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे, ये वहां का ट्रेडिशन है सर. मैं आपको सच बात बता रहा हूँ, ये मैं अपने पेरेंट्स से बात सुनी है और मैं उन पर बिलीव करता हूँ. वो क्या करते हैं सर जी, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर 76% जो आर्मी है वो पंजाब और बाकी की 23% जो खैबर पख्तून की है, बाकी 1-2% बलोचिस्तान और सिंध के हैं, सिंध के लोग व्यापारी हैं. तो जो ये टेररिस्ट बनते हैं ना, ये कोई भी पंजाब का नहीं बनता, ये सारे खैबर पख्तूनी हैं, जितने भी हैं आप सारे देख लेना जितने भी हैं ना, ये सारे वहीं से लाते हैं. छोटे छोटे बच्चे हैं उनके दिल के अंदर भावना भरते हैं वो, दे आर ड्रिवन बाय द इमोशंस ओनली, तो वही कत्ल करते हैं. बट इनकी प्रोबेबिलिटी जो है जो कतल करने की, जो कैंसर असेंडेंट की, आम आदमी की लीस्ट है, स्कॉर्पियो भी लीस्ट है पैसे, लेकिन हम ये डिनाई नहीं कर सकते कि ये नहीं करेंगे. मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, ठीक है. अब आ जाते हैं 5-5 से आ गया यार.
ये हो गया जेमिनी असेंडेंट, है पहले वो असेंडेंट देखें, फिर हम देखेंगे असेंडेंट का मैं प्लैनेट कौन सा बैठा है, मंगल है, और जेमिनी का लॉर्ड कौन सा हुआ, मरकरी। इन दोनों में किसी में भी सात आठ बारह अगर होता है तो इट सेटिस्फाइज आवर कंडीशन। तो पॉइंट नंबर वन इज असेंडेंट, पॉइंट नंबर टू मार्स शुड हैव 7-8-12 और मर्करी शुड हैव 7-8-12, बोथ हैव 7-8-12। पॉइंट नंबर थर्ड इज मेजॉरिटी प्लैनेट शुड हैव 7-8-12, मार्स है 7-8-12, राहु है 7-8-12, जुपिटर है 7-8-12, शनि है 7-8-12, मर्करी है 7-8-12। अब इसके बाद है कि दशा भुक्ति अंतर शुड हैव 7-8-12, तो जुपिटर सैटर्न सैटर्न में 30th जनवरी 1948 में इसने मर्डर कर दिया, ठीक है। जब इसने मर्डर कर दिया तो अब उन्हें देखना है ये टेररिस्ट है या आम मर्डरर है, ये मैं नहीं जानता भाई, इसने 30 जनवरी 1948 को खत्म किया था, मैं ये नहीं जानता भाई कौन है। तो मार्स प्लूटो जो है अगर असेंडेंट में है तो हमें देखना है मार्स प्लूटो खराब है, मार्स प्लूटो खराब है मतलब सेटिस्फाई करते नहीं करते। फिर हमें देखना है इसमें 5-10 होना चाहिए, मतलब अगर एक आदमी ऐसे आदमी का कत्ल करने जा रहा है जिसके कत्ल करने के बाद इसके बचने की कोई संभावना नहीं है, तो ये इमिजिएटली पकड़ा जाएगा और ये भी फांसी चढ़ा दिया जाएगा, तो इसके लिए बड़ी डिटर्मिनेशन चाहिए, क्योंकि जो टेररिस्ट है उसको पक्का पता होता है कि ये बचेगा नहीं। तो अब केतु में देख लो 5-10, वीनस में 5-10, मार्स में, राहु में, जुपिटर में, शनि में, है ना। इसके बाद इसके 4-9 गिन लो आप, इतने मिलेंगे आपको कि प्लेनेट से ज्यादा है, तो कितने प्लेनेट है 9, और 20 से ऊपर 4-9 मिलेंगे आपको। आप देख लो प्लीज केतु में देखो, सन मून मार्स राहु जुपिटर सैटर्न मरकरी, ठीक है, इट हैज लॉट ऑफ 7-8-12, राइट। अब इसका मतलब ही इज अ मर्टियर, ही इज नॉट ए टेररिस्ट, ये उसी आदमी को मारेगा जो देश का दुश्मन होगा, वैसे नहीं और किसी को नहीं मारेगा, ये हम कह सकते। अब इसको जो समाज क्या कहता है, उस समय की गवर्नमेंट क्या कहती है, एक अलग इशू है। उधम सिंह को टेररिस्ट कहेंगे, अगर हम इंग्लैंड के राज में तो टेररिस्ट कहेंगे ना, ब्रिटिश राज में तो टेररिस्ट ही टेररिस्ट है, ठीक है ना। औरंगजेब के हिसाब से फिर हम अपने गुरुओं को क्या कहेंगे, गुरु तेग बहादुर गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह जी, उनके हिसाब से तो कोई क्या है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ज्योतिष को में क्लैरिटी हो जाती है कि भी एक्चुअल में आदमी क्या है, ठीक है। ये एक्चुअल का है, ये उसका नजरिया नहीं है। नहीं नहीं, हम तो अपने ज्योतिष का नजरिया बता रहे हैं। अच्छा। हम तो अपना नजरिया नहीं बता रहे, हमें तो जो ज्योतिष के प्रिंसिपल है उसके हिसाब से हम एक आदमी की जन्मपत्री देख रहे हैं, जैसे जो टेररिस्ट भी बन रहे हैं तो वो अपने हिसाब से तो वो पैट्रियोटिज्म ही कर रहे हैं। नहीं, जस्ट अ मिनट, इसमें अलग बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये बॉम्बे में जो अटैक हुआ वो पेट्रियोटिज्म नहीं कर रहा है, ही इज किलिंग इनोसेंट पीपल। उधम सिंह इज किलिंग जनरल डायर ओनली, डिफरेंस है सर, नहीं है पॉइंट समझ रहे, ये क्या है। हुम भगत सिंह इज किलिंग, ही इज भगत सिंह इज नॉट किलिंग इन गोइंग टू इंग्लैंड एंड किलिंग एवरीबॉडी, 150 मार दिए हमने, ऐसा नहीं कर रहे भाई। जो पंगा ले रहा है भाई उसी से हमारा पंगा है और किसी से नहीं है। वो जो लड़की थी मंजू, उसने राजीव गांधी को ही मारा, अब उसका कंडीशन ऐसी थी बेचारी की कि 50 आदमी सामने मर गए, लेकिन वो उसका ऑब्जेक्टिव राजीव गांधी था, पिस्टल लेके वो जा नहीं सकती, बम उसने बांध लिया था, उसको कह सकते हैं कि कैन बी अ मर्टियर, मतलब अब लोग उसमें डिस्कशन कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, बट उसका ऑब्जेक्टिव राजीव गांधी था, उसके बाद चार और मर रहे थे, अब उसके बाद बेचारी के पास रास्ता नहीं था, तो वो कह सकते हैं आप। इस तरह से सतवंत सिंह बेन सिंह आप कह सकते हो मार्टियर है, खालिस्तान बन जाएगा तो कुछ भी करें, ठीक है। और लिटिगेशन में मेरे हिसाब से और कुछ, अच्छा ये जो टेररिस्ट
है, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं, मतलब नॉट ओनली मर्डर देन दे कैन एनीथिंग. ये वो कैसे, एक होता है जैसे थीफ, सिक्स एट ट्वेल्व प्लस सेचन प्लस सिक्स लॉर्ड इन मॉडल में, क्या दशा की अंतर में छह आठ बारह हुए और सिक्स लॉर्ड में भी छह आठ बारह हुए, साल में दस ग्यारह हो कुछ और हो वो अलग चीज है, और शनि की भी दशा के अंदर में शनि की भी इन्वॉल्वमेंट है, तो उस समय पे वो आदमी चोरी करेगा. अब वो चाहे वो कोई बड़ी से बड़ी हीरोइन हो चाहे कुछ भी हो, मतलब शॉप लिफ्ट कर लेती है, हीरोइनों का भी नाम होता होती है ना सर, वो कौन सी जैठा पेटा जो शॉप लिफ्ट कर छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह. तो अब जुपिटर भी हो गए, सैटर्न भी हो गए, छह आठ बारह दशा मुक्ति अंतर में हो, तो आदमी चोरी करेगा. जेल का कॉम्बिनेशन तो पकड़ा जाएगा, जेल हो जाएगी तो नहीं जेल. सर बोलो सर ये चोर वाला, सर चोर वाला सर दोबारा से बता दीजिए प्लीज. चोर वाला डीबीए में नहीं सर, ये जो सैटर्न में छह आठ बारह होना चाहिए सर, कपल सर ये होगा तो प्यार करेगा सर. कॉम्बिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द प्लैनेट्स. सिक्स लॉर्ड यदि सैटर्न है तो फिर तो बात ही खत्म होगी, तो दोनों चीजें सेटिस्फाई होगा जो कुछ होगा सर. फिर तो दोनों चीजें सेटिस्फाई कर दिया ना, शनि ने ही दोनों चीजें सेटिस्फाई कर दी, सिक्स लॉर्ड भी सेटिस्फाई कर दिया उसको, और थर्ड जो कोई भी प्लैनेट हो, ये तो दो दो मिलेंगे मिलेंगे थर्ड कोई भी.
चाइल्ड बर्थ में दो तीन चीजें हैं, तीन चीजें हैं, दो तीन तीन चीजें हैं मेनली जो समझने की है। पहली चीज ये है कि ज्यादा 80% जो है हम फोकस करेंगे फीमेल चाइल्ड, वो शी हैज टू कंसीव एंड देन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। मेल का काम सिर्फ इतना है टू डिपॉजिट द स्पर्म इन द ओवम, दैट्स ऑल। इसके बाद जो दूसरी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो समझने की है, प्रॉब्लम इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जो ज्यादा जो समझने वाली बात है इससे भी ज्यादा, हस्बैंड इज अ मेल एंड वाइफ इज अ फीमेल, उससे भी ज्यादा समझने वाली बात है कि इट इज ऑलवेज द फीमेल हु कंसीव्स, मेल कैन नॉट कंसीव। ये तीन पॉइंट समझने वाले, मुस्कराने वाली बात नहीं है, ये ध्यान देना, ठीक है? इसमें कौन सा मुस्कराने वाली बात, मेल कभी कंसीव करता है फिर आंस को बता सर। हाँ जी सर, ये जो 2511 है ये क्या कंप्लीट कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, या 2-5 भी है और नेगेटिव नहीं है तो हो जाएगा? मैं करके बताऊंगा ना यार, जैसे हम मैरिज में करते थे इधर उधर देखना ऊपर नीचे दाएं बाएं, उसको कंपेयर करेंगे। अब मिक्स होंगे तो अबॉर्शन के चांसेस, और मेल का अबॉर्शन नहीं हो सकता जो आपको मैंने समझाई थी, तो वो हम प्रेगनेंसी पीरियड भी तो देखेंगे ना। अब वापस आ जाते हैं कि ज्यादा हम जो है फीमेल के हॉरोस्कोप या वाइफ के हॉरोस्कोप को ध्यान करेंगे, ठीक है? एक बात और होगी कि जो मैरिज और चाइल्ड बर्थ के कॉम्बिनेशन इज ऑलमोस्ट द सेम, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाइफ कंसीविंग इमीडिएटली आफ्टर मैरिज इज अलॉट। उसके बाद वो दशा भुक्ति अंतर वैसा आएगा नहीं आएगा और कब आएगा वो पक्के तौर पर नहीं कह सकते। आज से अगर हम 20 साल पहले तक चले जाएं, उससे पहले चले जाएं, तो आप पाओगे 99% जो फीमेल्स है दे गेव बर्थ टू चाइल्ड फ्रॉम विद इन अ ईयर और 1.5 years, 1 to 1.5 years के बीच में, मतलब दे कंसीव फ्रॉम 3 months टू 6 months, मे बी 9 months तो दे कंसीव, तो ज्यादा कोई उनको समस्या नहीं हुई। अब क्या है, क्योंकि अब गवर्नमेंट चाह रही है कि भाई कम बच्चे हों तो लेट कंसीव हो, तो है ना, तो एक तो एज फैक्टर अपने आप में एक ही है, दूसरा साथ में यह है कि मैरिज होगी, मैरिज के बाद दे डे 11 जब आएगा तभी कंसीव कर सकते हैं, और जब हम चाह रहे हैं तब 2-5-11 दोनों हस्बैंड वाइफ में ना हो ये, या हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए फिर अब ज्यादा जो है वो IVF का, पहले IVF का इतना चलन था ही नहीं, कुछ इतना प्रॉब्लम थी नहीं। एक आधा एडिशनल फीचर और भी है, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है? उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? आपके पास सब टाइप की प्रॉब्लम आएगी तो आप सब तरीके से इक्विप्ड होने चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा एक तो ड्रिंकिंग से, ओवर ड्रिंक किया हो, एक मतलब जो है वीक हो आदमी फिजिकली वीक, एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी, ठीक है? ये चार चीजें होंगी। एक और है कि जो ऑपोजिट जो पार्टनर है उसको हम पसंद ही नहीं करते, या उसी दिन झगड़ा हुआ हो पसंद नहीं करता, पसंद ही नहीं, ऐसे ही मतलब माँ बाप ने जल्दी शादी करा दी, ये लड़की से शादी कर ले तो फिर हो नहीं पाता। तो यही 5 रीजंस हैं, ड्रिंकिंग, फिजिकल वीक होना, एंजाइटी होना उस समय, डिप्रेशन में उस समय, और एक पसंद ना करना, ये 5 रीजन है, अदरवाइज कोई रीजन नहीं होता। एक यंग आदमी और डायरेक्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शन का रीजन। इसके बाद एक और चीज है, ये जो एग फॉर्मेशन है, अगर 1-4-10 क्योंकि 2-5-11 के 12th है, तो एग फॉर्मेशन में, स्पर्म फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आएगी। एक कई केसेस में आजकल आप देखोगे 2-5-11 होने के बावजूद भी फीमेल इज नॉट एबल टू कंसीव,
और ये केसेस अब बहुत आ रहे हैं, तो आप उनसे उनकी दिनचर्या पूछ लेना। तो वो अगर बताते हैं कि हम 12 घंटे 14 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको कहना छुट्टी कर लो, 2 महीने छुट्टी कर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ आपका जो है मेंटल प्रेशर इतना है कि वो बनता नहीं। क्या नहीं बनता मैं बता देता हूँ, ये हम हेल्थ में भी करेंगे। जब भी हम फूड लेते हैं तो उससे रस बनता है, ठीक, रस के बाद रक्त, ब्लड, ब्लड के बाद बहुत सारे ब्लड का थोड़ा सा क्या बोलते हैं मसल मांसपेशी। और भी अगर फूड हमारा बच गया ओवर ईटिंग कर रहे हैं वो होता है तो फैट डिपॉजिट, मसल में डिपॉजिट होता फैट होता, फिर उसमें से थोड़ा सा दैट विल बिकम अस्थि बोन, फिर बोन मैरो, बोन मैरो तो अगर आपका रस जो है पूरा ब्लड नहीं बना, रस क्यों नहीं पूरा ब्लड बना पाता, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं साथ ही खा लेते, दिन में 14 कॉफी पी लेते, आजकल जो हालात चल रहे 15 कॉफी पी ली, बर्गर खा लिया, पिज्जा मंगा लिया, तो फूड इनटेक इज नॉट प्रॉपर, सो रस इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये साइकिल कंप्लीटली धीरस्त नहीं हो पा। डॉक्टर बता रहा सब ठीक है, एक्चुअली में वो ठीक नहीं होता, स्पर्म कम हो जाते हैं मेल के, फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर पूरी हो भी रही है तो लेकिन एग की क्वालिटी बढ़िया नहीं बनती, ठीक है, तो वो भी एक रीजन है। तो कईयों को मैंने कई नहीं मतलब 5-7 एग्जांपल हैं उनको छुट्टी करा दी मैंने और वो मान गए छुट्टी, तो ये आजकल की प्रॉब्लम। सॉरी सर, ये वीनस का क्या कहा आपने, रिपीट करेंगे? वीनस का मतलब शुक्राणु सर, मतलब स्पर्म्स इन केस ऑफ मेल्स एंड एग इन केस ऑफ फीमेल, इसको वीनस ही कहते हैं। अब ये है कि जो 6-8 बना है दे प्रमोट अबॉर्शन, कंसीविंग करने में दिक्कतें करेंगे, 1/10 विल आल्सो प्रमोट अबॉर्शन। राहु केतु शनि खराब है, अबॉर्ट कराएंगे लेकिन तभी कराएंगे जब उसमें कॉम्बिनेशन खराब होंगे, राहु केतु शनि में भी पॉजिटिव है तो वो ठीक है। इसके बाद मार्स केतु वो सर्जरी कराएंगे। सर 1/10 सर्जरी का भी है, नहीं आपने देखा ना 1/10 राहु केतु, मैंने कब कहा प्रमोट अबॉर्शन, जो सर्जरी का हाउसेज है, एक तो राहु केतु प्लैनेट हो गए, सर्जरी के जो हाउसेज हो गए वो हो गए 8, 6 के साथ हो या 12 के साथ, तो अकेला नहीं कराएगा वो, हमारा फिक्स लॉ अकेला सर्जरी का हाउस 8 है लेकिन वो 6 और 12 के साथ हो, 6-12 के साथ होते कभी कराएगा। और जुपिटर जो है दैट इज नेचुरल सिग्निफिकेटर फॉर चाइल्ड, आए ना आए लेकिन जुपिटर है तो समझ लेंगे 2-5 इसके अंदर है, तो मान लेंगे कि जुपिटर कैरीज 2-5 आ गया तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यस ऑलवेज सर, राहु केतु शनि मार्स ये डीबीए में कंसीव करने का टाइम होना चाहिए जी सर, सही ऑब्वियसली, फिर वो जो बर्थ होगा उसके लिए टाइम जुपिटर का निकल भी गया डीबी में से तो कोई बात नहीं सर, बाकी प्लैनेट नेगेटिव नहीं होंगे, अगर नेगेटिव होंगे तो फिर कुछ हो मतलब अबॉर्शन नहीं हो सकता, अबॉर्शन हो जाएगा अगर जुपिटर कंटिन्यू कर रहा था अच्छी बात हो जाएगा। और जो शुभ ग्रह होते हैं, शुभ का मतलब जुपिटर वीनस मून ऐसे, इनमें क्या बच्चा भी थोड़ा हेल्दी नहीं मोटा हो, बाकी प्लैनेट भी बहुत बढ़िया है, सिर्फ वो है कि देखने में बाल बुल ज्यादा होंगे उसके, उसका वजन थोड़ा सा कम हो, हेल्दी तब भी होगा 2-5-11। हाँ जी मैडम। सर मैं ये पूछ रही थी राहु केतु शनि मार्स ये भी दे प्रमोट सर्जरी और दे प्रमोट अबॉर्शन, आई गेस मैंने इसको क्लैरिफाई किया है, राहु केतु शनि मार्स ये जो है दे प्रमोट अबॉर्शन, ठीक है, एंड मार्स केतु प्रमोट सर्जरी, राहु और शनि सर्जरी नहीं मिला। एंड सर जुपिटर, इफ जुपिटर में कोऑर्डिनेट्स ना करते हैं आई मीन 2-5-11 फिर तो ना हो जाएगा, जैसे वो वीनस में रूल था, ये अगर 1-6-10 हैगा जुपिटर में कंप्लीट और उसके अंदर 2-7-11 बिल्कुल नहीं है तो जुपिटर डिनाइज वीनस डिनाइज मैरिज। पर जुपिटर सर किस लेवल तक करा सकता है, मतलब किस लेवल तक जुपिटर
करा सकता है जिस जुपिटर में जो पूरा कॉम्बिनेशन 1-4-10 का है तो डिनाय कर जाएगा। 1-4 है तो, और 2-5-9-11 में से कुछ भी नहीं है तो भी वो पॉजिटिव है, लेकिन वीक तो हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, समझ लो 3-7-3-7-3-7 हम मान लेंगे इसमें पूरा 2-5-11 है, ठीक है, एक आ गया 3-7-3-7-1-4 तो कमजोर तो हो गया ना फिर। अब इसको हमने देखना है कि भी इसको हमने कैसे हैंडल करना है, सिर्फ जुपिटर दोनों मेल फीमेल दोनों के केस में होना चाहिए एक साथ उस टाइम पे, नहीं हमने ये नहीं कहा कि जुपिटर इज एसेंशियल फॉर बर्थ ऑफ चाइल्ड, ये नहीं, सिर्फ ये हमने लिटिगेशन में कहा राहु केतु शनि में से एक जुड़ो, इसमें हमने नहीं कहा कि जुपिटर वीनस मरकरी कर देंगे, इसमें हमने कहा कि पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है ऑब्वियसली definitely। यहाँ पे डिफॉर्म चाइल्ड या ट्विंस या कुछ समझ में नहीं आया, अभी एक करा लेते हैं सर, एक करा लेते हैं, फिर हम करेंगे दो बच्चे, फिर हम करेंगे अडॉप्शन, फिर हम करेंगे कस्टडी चाइल्ड, सारे चीज करेंगे एक एक करके। पर सर इसमें सर कुछ मतलब प्लीज डोंट माइंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पर कुछ कुछ लोग पूछ लेते हैं खासतौर से जोशियों के पास आके लड़का होगा कि लड़की होगी, तो इसमें माइंड मैं क्यों माइंड करूंगी भाई, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, ये चौथा रूल है हमारा, कि भाई हस्बैंड इज अ मेल एंड वाइफ इज अ फीमेल, दूसरा रूल है उसमें वाइफ विल कंसीव, एक रूल था कि वाइफ को ज्यादा हमने तरजीह देनी होगी उसने, चौथा रूल यह है कि या तो तुम्हारा बेटा होगा या बेटी होगी, वो तो ठीक है सर, इस दिन कॉम्बिनेशन फॉर मेल एंड फीमेल, इस दिन कॉम्बिनेशन विच स्टाइल के लड़का होगा, बच्चा हो देखो ना, चूचू ऊपर की तरफ जा रही है तो मेल है, और चूचू ऊपर तरफ की नहीं जा रही तो फीमेल है, ये बार बच्चा तो कर लें दो यार जल्दी बोल, हाँ बिल्कुल यार, चल मैंने जान के ऐसी एरोस्कोप लगा लेता हूँ ताकि सारी चीजें कवर हो जाए, तो ये एक आदि मेरे को पास होती है ऐसी सब टाइप का, तो पहले मैं वो वाले दिखाऊंगा आपको प्लेनेट जो बहुत पॉजिटिव, इसमें सारे हैं बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल पॉजिटिव मिक्स, तो जुपिटर कैसा है सर, गुड पॉजिटिव सर, 1-4-11-2-5-11 जो 4 है ये 2-5 से लड़ नहीं पाएगा अकेला, पॉजिटिव होने की वजह से सब लॉर्ड के जो 4 है उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी, ठीक है ना, इसको अगर मैं रिमूव कर लूं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी 2-5-11 मतलब जुपिटर इज वेरी पावरफुल। शनि कैसा है, शनि वेरी पावरफुल, सब लॉर्ड में 1-4 है लेकिन 1-4 को ऊपर से कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है, ऊपर 2-5 है फिर 5-9 है फिर 11 है, तो शनि भी बहुत पावरफुल है, इतने बहुत 4-1 ये मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कुछ नहीं है डजंट कैरी एनी मीनिंग। सन कैसा है, ये हो गया कि जुपिटर इज एक्सीलेंट, सैटर्न इज एक्सीलेंट एंड इवन सन इज आल्सो एक्सीलेंट, सन में 11 नहीं है बट इट इज वेरी वेरी गुड, पैरेंट इज आल्सो गुड, नक्षत्र इज आल्सो गुड एंड सब लॉर्ड हैज 1 and 2 पॉजिटिव। अब आ जाते हैं हमें मिक्स वाले नेगेटिव वाले आ जाते हैं, मून 1-8 वन खराब है, 8 उसका दोस्त है, 4-11 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, 6 जो है 4 का दोस्त है, दोस्त का मतलब एबॉर्शन कराएगा,
जुपिटर नीचे सब लॉर्ड है 1/4 दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इसमें एक प्लैनेट में नेगेटिव, एक नक्षत्र में नेगेटिव, दो सब लॉर्ड में नेगेटिव, और पॉजिटिव सिर्फ दो हैं 11/11, और इसमें 6/8 भी है। इसका मतलब ये कंसीविंग के टाइम पे भी दिक्कत, और फिर अगर कंसीविंग के बाद अगर इसकी मुक्ति आ गई, अंतरा आ गया, तो ये अबॉर्ट भी करा सकते, और चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बिल्कुल आ गया 8 मंथ के बाद, तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी खड़ी कर सकते। एक नेगेटिव और ले लेते हैं, मरकरी 4/10 ठीक है, उसके बाद नक्षत्र में 2/5/11 पूरा है, लेकिन 1/4 भी है, और नीचे 1/8 भी है, और 8/12 भी है। तो मरकरी ये भी जो है बड़ा खतरनाक टाइप का है, इसके अंदर 4/10, 1/4, 1/2, 5/11 अकेला। केतु में देखो आप, केतु मरकरी का भी उस्ताद है, इसमें नक्षत्र जो है बिल्कुल नेगेटिव हो गया, तो फिर सब लॉर्ड की पावर घट जाती है, तो कंसीव तो करा सकता है, लेकिन उसके बाद ये बच्चा जो है को प्रॉब्लम, मतलब ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, है ना। अब आ जाते हैं वीनस, ये मिक्स है 11/2/5/11/11, देख रहे मिक्स है, लेकिन हल्का सा पॉजिटिव। मार्स को देखो मिक्स है, ये हल्का सा पॉजिटिव कह सकते, वैसे इसमें 1/1/1 है, लेकिन अगर इसमें 1/4/10 आ जाता ये बड़ा खतरनाक हो जाता। राहु में पॉजिटिविटी ज्यादा है, इसमें भी नेगेटिविटी है लेकिन पॉजिटिविटी ज्यादा है, करेक्ट समझ में आ गई सर। अब इसको हम कंक्लूड कर लेते हैं, सन जुपिटर शनि बहुत अच्छे, राहु भी काफी अच्छा है, नेगेटिव हो गया हमारे पास मरकरी मून केतु, और वीनस मार्स भी मिक्स हैं लेकिन पॉजिटिव की तरफ थोड़े से ज्यादा, ये कंक्लूड हो गए। अब इसने कंसीव कर लिया, तो अब ये पांचवा रूल है हमारा कि एक लेडी अगर कंसीव करती है तो 8 महीने के बाद चाइल्ड बर्थ होगा, और दो लेडी अगर करती है तो, ये भी हमारा रूल है, हाँ जी बहन जी बताओ, एक जनानी एक दिन में दो ब्लाउज सीती है तो दो जनानियां कितनी सी हैं बताओ। अच्छा सॉरी, मैंने बहन जी नहीं कहना था आपको, छोटी दीदी बताओ। अच्छा दोनों 8/8 में, अच्छा चलो ठीक है, तो ये रूल हो गया पक्का, जो इन्होंने कह दिया। अब मैंने बहन जी भी नहीं कहा तो इन्होंने बिल्कुल सही सही बात बता दी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें कि when she has conceived in Mars Rahu Venus, right? She has conceived of her own, उसने conceive कर लिया Mars Rahu Venus में, Mars हमारा हल्का सा पॉजिटिव है, राहु हमारा बहुत पॉजिटिव है, Venus हमारा मिक्स है लेकिन हल्का सा ज्यादा पॉजिटिव। Mars Rahu Venus में अगर conceive कर लिया तो मार्स राहु सन तक 1 जून 98 तक शी इज फाइन, 1 जून 98 के बाद केस हमारे पास आ जाएगा, मतलब मेरे पास नहीं सॉरी डॉक्टर के पास आ जाएगा। मार्स राहु मून में शी कैन फेस सर्टेन प्रॉब्लम्स, एंड जब डॉक्टर चेक करेगा बोलेगा यू गो फॉर बेड रेस्ट, एंड दैट प्रोबेबली दे कंसल्ट एंड मे कंसल्ट एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। तो मेरे पास आएंगे तो मेरे पास तो कोई रास्ता है नहीं, मैं तो खुद ही घबराया हूँ, क्योंकि मार्स जो है मिक्स है, राहु जो है मिक्स है, मून खराब, हालांकि मार्स राहु ज्यादा पॉजिटिव है, तो मैं कहूंगा उम्मीद ज्यादा है। अभी मैं अपने आप से बात करूं, उनको नहीं बता रहा, लेकिन मार्स राहु जो है नेचुरली अच्छे नहीं है, तो मैं घबराया से रहूंगा, घबराया से इसलिए रहूंगा क्योंकि अगर ये बेड रेस्ट नहीं लेती तो मैं भाई साहब क्या कर सकता। अच्छा मैं डॉक्टर हूं नहीं, डॉक्टर अपनी बात बताएगा, हम अपनी बात बताएंगे, ठीक है ना, और सबकी बॉडी अब एक जैसी होती नहीं, ट्रबल इस दिन हम सिर्फ ये बताएंगे, मेरे को आगे का तो पता ही है, लेकिन आज भी केस कैसा आएगा वो मैं बता रहा हूँ। यही कंडीशन आज हो जाए तो हमारे पास जवाब क्या है, हमारी कंडीशन क्या, क्या हम बता सकते हैं, तो हम ये बोलेंगे मार्स राहु मून तक बहुत खतरनाक है 3 जुलाई तक, प्लीज गो फॉर बेड रेस्ट, भगवान बलि करेंगे कह दो। मार्स राहु मार्स हमारे हमारी को अगर मार्स राहु मून निकल जाता तो हमारे साथ मार्स राहु मार्स तो निकल ही जाएगा, उसके बाद क्या आएगा मार्स जुपिटर, ठीक है ना। कंसीव कब किया था, मार्स राहु वीनस मार्च में, ठीक है।
मार्स राहु वीनस में कंसीव किया था मार्च में, तो 8 महीने हो गए नवंबर में, ठीक है, तो नवंबर में एंड में या दिसंबर में कभी भी बच्चा हो सकता है। तो मार्स जुपिटर जैसे ही आएगा तो हम बिल्कुल कंफर्टेबल, तो मार्स जुपिटर मरकरी में बच्चा होना, तो मार्स जुपिटर जुपिटर इज गुड, मार्स जुपिटर सैटर्न इज गुड, एंड मार्स जुपिटर मरकरी इज अ प्रॉब्लम। मरकरी में 8-12, मार्स में 8-12, दैट मींस बच्चा तो हो जाएगा सिजेरियन, और एंड में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी हल्की सी हो जाएगी, प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है क्योंकि जुपिटर उक्ति में बैठा। तो ऐसे हम जो है कि वो देख सकते हैं, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, मतलब हम देख सकते हैं आगे की भी ठीक रहेगा नहीं रहेगा, और हम लोगों को सजेस्ट भी कर सकते हैं अगर लोग हमारे पास आए विच इज द बेटर टाइम कंसीविंग, तो हम कोशिश करेंगे 8 महीना में बहुत अच्छा मिल जाएगा, तो हम उनको बता भी सकते हैं ये पीरियड। जैसे किसी का 1-2 बार भगवान ना करे अबॉर्ट हो गया तो हमसे पूछते हैं जी बताओ, तो हम उसको बोलेंगे भी कब करना है कब नहीं करना है, उसको हम एडवाइस दे सकते हैं। जैसे हम उसको दे सकते हैं कि मार्स जुपिटर मार्स में अगर कंसीव करती है सर 99 में, तो हो गए कब चाइल्ड बर्थ होगा दिसंबर 299 में, है ना, मार्स जुपिटर मार्स में अगर शी कंसीव और मार्स जुपिटर राहु में शी कंसीव, तो मार्स शनि शनि इज गुड, लेकिन फिर मार्स शनि मरकरी ट्रबलसम है, तो ये हम नहीं बता सकते, वो ट्राई करेंगे। अच्छा मार्स है भी छोटा वैसे, अच्छा मार्स मरकरी तो हम कह नहीं सकते, मार्स केतु हम कह नहीं सकते, मार्स वीनस हम कहेंगे नहीं, तो मार्स सन बड़ा छोटा है, मार्स मार्स सन बहुत छोटा है, मतलब ये 4-5 महीने का होता है, मार्स मून हम कहेंगे नहीं, राहु का हम कह सकते हैं, अभी राहु 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 जुपिटर राहु शनि, मतलब हमें फरवरी 2004 से अप्रैल 2005 तक का पीरियड बिल्कुल क्लियर कर लिया, ये बिल्कुल साफ। अब ये डिपेंड करता है मतलब उसकी एज के ऊपर कि वो पहले ही 40 साल की हो गई है तो हम ये कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं, तो कई कंडीशन होंगी, बट वी कैन ट्राई कि विद द बेस्ट पीरियड कि वो कंसीव कर लो शी इज फाइन। साथ में राहु मार्स शनि प्रमोट अबॉर्शन भी तो है ना, इवन व्हेन दे आर सेइंग यस, नहीं नहीं नहीं, इफ इफ दे आर नेगेटिव ओनली देन इट इज अबॉर्शन, इफ इट इज नॉट नेगेटिव देन इट इज नॉट अबॉर्शन। अब जैसे राहु में कोई जो है 8-12 ऐसे या 6-8 ऐसे है नहीं, राहु पॉजिटिव ज्यादा है, तो फिर अगर राहु पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है भाई, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन देन वी हैव टू सी द प्लैनेट। अगर राहु है किसी की दशा चलती है तो इसका मतलब ये नहीं आता कि उसके 18 साल बर्बाद हो जाते, राहु अगर अच्छा है तो ही राइज इज लाइक एनीथिंग, अगर राहु उसका पॉजिटिव है तो हो जाता। अब है ना राहु राहु केतु शनि मंगल 18/7/1947 तो ये तो हम कहेंगे भी ये साल सबके ब्रॉडली ये खराब ही होते हैं, ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन देखो, किसी का जुपिटर खराब हो सकता है, किसी का मरकरी खराब हो सकता है, ये इसके बाद क्वेश्चन है इन अबाउट दी सर सर ये सर्जरी के केस में जैसे मार्स और केतु है तो इसमें कुछ कॉम्बिनेशन भी होना जरूरी है कि आप प्लान भी सर्जरी करा सकते हैं? नहीं प्लान सर्जरी का हमारे पास कोई नहीं, मतलब अगर ये प्लेन है इनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, सुनता नहीं मेरे सर कोई ही प्रॉब्लम, घर में जनानी नहीं सुनती, क्लास में स्टूडेंट्स, सॉरी मैं ये कह रहा था यूरोप में ना सर, यूरोप में प्रथा है, प्रथा नहीं है मतलब लोग जो है वो मतलब सी सेक्शन ही कराती है, कोई नहीं कराता जनान नेचुरल, वो कहते हैं हमारी बॉडी की शेप खराब है, तो वहां वैसे ही चल रहा है, तो उधर 8-12, 6-8 हमें देखने की जरूरत है इंडिया के अंदर, क्योंकि तो मतलब कुछ चाहती हैं सी सेक्शन कुछ नहीं चाहती, जो अपने विल से है उसमें हमारे पास कोई जवाब नहीं है, उसमें अगर सिजेरियन नहीं भी आ रहा तो हर ओन विल शी कैन गो फॉर इट, ये हम कह रहे हैं ये जरूरी हो गया है उसकी बता रहे, ठीक है। नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ सर मार्स और केतु में अगर कॉम्बिनेशन 6-8 नहीं है मार्स और केतु में सपोज तो हाँ तो इट इज नॉर्मल डिलीवरी, हाँ ठीक है
So I have answered a question which you didn't ask, but still it is useful. ठीक है इसके बाद हो गया मियां बीवी में लड़ाई होगी who will get the custody of child ठीक है अब होगा कस्टडी ऑफ चाइल्ड में 4-8 इज मदर 4 इज मदर 8 इज 12th फ्रॉम 9 और 12th फ्रॉम फादर तो 4-8 होगा दशागुप्त के अंतर में जिस समय पे कोर्ट केस चल रहा है तो जज विल गिव द कस्टडी टू द मदर कस्टडी इज एंट्रस्टेड टू मदर अदरवाइज 3-9 3 4 का 12th होगा कस्टडी इज एंट्रस्टेड टू फादर हाँ यस 3-8 हो गया तो अदर तो इसके लिए वी हैव टू चेक द हॉरोस्कोप ऑफ द चाइल्ड माँ बाप के हॉरोस्कोप से नहीं ठीक है अगर माँ बाप मदर आती है पूछती है तो हम उसको बोलेंगे बच्चे की डेट टाइम प्लेस बोलेंगे अब ये टाइम प्लेस कंडीशन में मैं आपको बताया तो इन इंडिया जब तक बच्चा 8 साल का है कस्टडी इज ऑटोमेटिकली गिवन टू द मदर अनलेस अंटिल देयर इज अ बिग प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आप ये प्रूव कर दें शी इज मेंटली दूसरा फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फर्क है तीसरा कैरेक्टर भी होता है चौथा शी मेल्ट्रीट्स द चाइल्ड मारती पीटती है अच्छा ये चारों चीजें प्रूव करनी बड़ा मुश्किल होती है या पागल हो मदर पागल इनसे एक हो गया कि जो यूरोप हो गया यूरोप में वो दोनों को हमेशा वो फिक्स है दोनों को देते हैं लड़ाई होगी तो फिर बात अपने आप अलग है अदरवाइज उनके लिए दोनों सेम है इंडिया के अंदर 4-8 आएगा तो 8 साल के लिए मदर को जाएगी हर हाल में जाएगी अगर 4-8 के साथ 3-9 भी होता है 8 साल में अगर है ना तो इसका मतलब यह है कि फादर विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू मीट द चाइल्ड ऑफ एंड ऑन भाई जैसे छुट्टी वाले दिन या वो फिर लिख देंगे भी गर्मी की छुट्टी सैटरडे संडे अपने घर ले जा सकते हैं ले जा सकता अगर दोनों आए तो फिर 8 साल में रहेगा मदर के पास बट फादर कैन विजिट द चाइल्ड और फिर 8 साल के बाद फिर जिसका क्लियर आ गया उधर चला गया दोनों का आ गया तो दोनों मिलते रहेंगे ठीक है इसके बाद है एडॉप्शन जिनका बच्चा नहीं होता जिनके 1/4 आइदर हस्बैंड के होंगे और अगर वाइफ के अंदर 2/5/11 है तो वी कैन आल्सो गिव एन एडवाइस इफ दे आर ओपन टू दैट टू गो फॉर अ डोनर स्पर्म डिपेंड्स और अगर दोनों के केस में प्रॉब्लम है देन वी कैन सजेस्ट देम और इफ दे आस्क देन वी कैन सजेस्ट देम गो फॉर एडॉप्शन बट We don't have any combination whether the parents will adopt a child or not. This we cannot say. ये नहीं हम बता सकते भाई कि ये माँ बाप जो हैं ये भाई ये जो कपल है मेरी 5 बहनें थी मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरी मम्मी ने एक और ले ली कम से कम आधा दर्जन एक अडॉप्ट कर ली तो अडॉप्शन का पता नहीं ठीक है ना इस अडॉप्शन में हम वो भी लेंगे फॉर एग्जांपल फर्टिलिटी इशू नहीं है इवन देन यू नो द कपल इज अडॉप्टिंग दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ना यही तो मैं बोल रहा हूं आपको मेरी 5 बहनों के बाद मैं पैदा हुआ उसके बाद मेरी मदर ने एक लड़की अडॉप्ट कर उसने कहा 6 तो होनी चाहिए बात से तो अब ये तो बुद्धि है देखो अब लेकिन ये ना मदर के हॉरोस्कोप में नहीं पता चला एंड माय फादर नेवर ऑब्जेक्टेड एंड वी आल्सो नेवर ऑब्जेक्टेड नन ऑफ आवर सिस्टर्स ऑब्जेक्टेड It happened like this. We all liked her. We can't say. और उससे ही सबकी बनती है उसके बच्चों से मतलब हमारी ज्यादा बनती है बाकी बच्चों से उतनी नहीं बनती वो इसलिए नहीं बनती बेचारे अमरीका चले जा रहा था तो मिलते ही नहीं तो ये मिल लेते एनी वे अब आ जाते हैं adoption. हाँ जी सर फ्रेंड जो है अच्छी पोस्ट पे रहा
और उससे दो बच्चे हुए, बाद में कुछ कंफ्लिक्ट होने से दोनों में अलग बनाए, कोर्ट में दोनों नहीं गए केस के लिए, कोशिश करते रहे कि आपस में हो और दोनों की कस्टडी बच्चों की जो है मदर के पास रहे, और फादर बच्चों से मिलने भी कभी रेगुलर नहीं रखी, कभी 15 साल में 2-3 बार भी मिला, तो ऐसे केस में क्या हुआ होगा? ऐसे केस में हो सकता है 4-8 नजर आवे बच्चों में, बाप से ना मिले, हो सकता है वो है आपके पास डिटेल, नेक्स्ट टाइम लेते हैं ना, अगर पॉसिबल अगर मिल जाए तो देख लेंगे, लेट अस एजुकेट आवरसेल्फ, ठीक है। अब इसमें लेकिन हमें बच्चे के हॉरोस्कोप से ये आइडिया लग जाता है कि ये बच्चा अडॉप्टेड है, ये एक चीज है, हालांकि उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसका प्रेडिक्शन में तो कोई बेनिफिट है, ये बच्चा अडॉप्टेड है तो है तो अपना ही बच्चा है, अडॉप्ट कर लिया तो अपना ही है, जैसे अपना होगा वैसे उसको हम अलग से होना रखेंगे, ठीक है। बट हमें वो पता चल जाता है, ये जस्ट फॉर ए मतलब एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज हो, तो इसका कॉम्बिनेशन है कि चाइल्ड की हॉरोस्कोप में हम देखें ऑब्वियसली तो एडॉप्शन ही हो गया या अडॉप्टेड चाइल्ड, 4-8 होगा और ये जो होगा 8 हाउस डुअल, इसमें 8 क्या है, ये डुअल नहीं है, डुअल का मतलब क्या है, हाउस डुअलिटी ऑफ हाउस कैसे होगी, डुअलिटी ऑफ हाउस कैसे पता करेंगे, डुअल साइन इन द हाउस, डुअल साइन क्या होता है छोटी सी बताओ, जेमिनी वर्गो, बिगाड़ ना दिया भाई, एक तो नाम का बदला है, अंकल जी को कर लो, यस सर, यस सर, मैं कर दिया, मैं नहीं कर दिया, ड्यूअल साइन इन द हाउस, मतलब ये 8th हाउस है ना, क्योंकि 8th हाउस की बात करते हैं, तो 8th हाउस टू द ड्यूअल मींस यहां तीसरा साइन हो, छठा हो, नौवां या बारह, या तो ये कंडीशन हो, या टू प्लैनेट्स इन द हाउस, दो प्लैनेट बैठे हो, मंगल शनि राहु शनि जुपिटर वीनस सन मर्करी, या टू प्लैनेट्स एस्पेक्ट, चौथा मर्करी जुपिटर, ये अकेले भी बैठे होंगे तो भी बात बन जाएगी, सर ये सारी 8th हाउस की बात हो रही है ना, नहीं सर इस समय तो 8th हाउस की बात हो रही है, बट ये जनरल, अगर 5th हाउस में हो जाएंगे तो 5th हाउस डुअल हो गया, 7th में हो गया तो दो बीवियां नहीं होंगी, तो 7th हाउस डुअल हो गया, अभी यहाँ 8th है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बच्चा जो अडॉप्ट हो रहा है उसकी हम बता रहे हैं कि ये बच्चा अडॉप्ट होगा, उसका 4-8 चल रहा होगा एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, नॉर्मली एडॉप्शन विल टेक प्लेस व्हेन द चाइल्ड महीना 15 दिन, बिल्कुल अभी बच्चा पैदा हुआ 1 दिन 2 दिन भी 1 ईयर 2 ईयर, बट दैट बिकम दैट इज रेयर। अब इस समय मैं सोचूं कि बहन मायावती मुझे अडॉप्ट कर ले तो अब कैसे करेगी बेचारी, सर करना तो चाहती है, हाँ बोलो सर, मैं कह रहा हूँ आप जो अभी डेफिनेशन बता रहे थे वो आपने ड्यूअलिटी की डेफिनेशन बताई है, जी सर है ना, ड्यूअलिटी की डेफिनेशन बताई है आपने, जी सर जी, जी और सर, जो जो एडॉप्शन का है वो कॉम्बिनेशन सिंपल है, 4 and 8, 8th हाउस शुड बी ड्यूअल, दैट्स इट, अब ड्यूअलिटी क्या होती है वो आपने डिफाइन कर दी, ऐसी जी बिल्कुल सर, हाँ जी बिल्कुल सर, ठीक। अब इस हॉरोस्कोप को देखें, अब ये है मोना का बेटा, मोना का बेटा जो है ये 91 में पैदा हुआ 26 अगस्त, तो मोना पहले ही हस्बैंड से मतलब जो है सेपरेट हो गई थी और इनका आपस में तलाक का केस चल रहा शुरू हो गया, अब बच्चा पैदा होगा, अब बच्चा पैदा हो गया तो सर ये फिर आप मिठाई का एक परंपरा मिठास की, तो
खिलाओ भी यार, वो खाओ अलग कमाल कर रहे यार, खिलाओ नहीं बच्चा। अब ये है कि फिर बच्चे का भी होगा कि बच्चे की कस्टडी किसको मिलेगी, राइट? तो फिर हम एक बार सारे प्लान देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं कि एट द टाइम व्हेन द वर्डिक्ट इज गिवन तो क्या आए, तो फिर क्या होगा, क्या आए तो क्या हो। अब केतु में क्या है, 4, हमने देखना है 4, 8, 3, 9, 3, 8 केतु में है 4, वीनस में है 3, 8 और 8, 4 तो मदर 8, 4 मदर इज स्ट्रॉन्ग। सन में 4 मदर इज देयर, अदर इज मदर नथिंग एल्स इज देयर। तो केतु वीनस सन में मदर ज्यादा बता रहा है, एक अदर भी बता रहा है, फुल कॉम्बिनेशन सिर्फ वीनस में, केतु केतु और सन में फुल कॉम्बिनेशन नहीं है। मून में कुछ नहीं है, मार्स में एक 9 है, दैट मींस फादर, लेकिन फुल कॉम्बिनेशन नहीं है। राहु में 9, 3 फादर, 3, 8 अदर, 8 और 26 अगस्त 9 मोना का बेटा इसमें 4 कहां गया, वो एनीवे हो गया। अब ठीक, अब राहु हो गया 3, 9 फादर, 3, 8 अदर, 8, 4 मदर, ठीक है। तो मदर इज स्ट्रॉन्गेस्ट, जुपिटर में 4, 8 मदर, 3, 8 अदर इज स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब फादर इज नॉट देयर, अदर और मदर। सैटर्न में 4 मदर इज स्ट्रॉन्गर, और मर्करी में 4, 4, 8 इवन मदर इज स्ट्रॉन्गर हियर। तो ये इसका जो फैसला हुआ हुआ जुपिटर मर्करी और केतु, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, जुपिटर मर्करी केतु में 92 में कहीं हुआ हुआ जा, है ना। तो कस्टडी मिल गई जाके मदर को। अब इसके आगे क्या हुआ, उसके आगे ये हुआ कि इसका देखो 4, 8 है बहुत, और 3, 8 भी बहुत है, हालांकि मदर से कम नहीं। तो ये रही अभी नहीं, अभी भी अपनी माँ के घर रहती है, तो और भाई भी वही रहते, तो बच्चे होते हैं अपने ना, कभी मामी के पास हो गए, कभी नानी के पास हो गए, अदर भी हो गए। और फिर जो है इसको अडॉप्ट कर लिया मामा ने लीगली, पर है तो मदर माँ के साथ ही रहता है, लेकिन जब स्कूल में नाम लिखा तो उसको जो मामे ने अपना नाम एज अ फादर लिखवा दिया, जस्ट मतलब वैसे। तो ये अब देखिए 8 हाउस भी दुआ है, जो एक्स्ट्रा स्टोरी है मैंने बता दिया। तो 4, 8 भी आ गया एट द एज ऑफ 4 कब हुआ सर, 95 96 हो गया। तो जुपिटर वीनस, ठीक है ना, एंड 8th हाउस इज डुअल, ठीक है। तो ये इसकी असली स्टोरी है, ठीक है। तो चाइल्ड बर्थ में एक क्वेश्चन आपका और था, वो था एक्सक्यूज मी सर ये क्लियर नहीं हुआ, एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए। जेड ड्यूअल वाला यहाँ पे 8th हाउस में वर्गो है, वर्गो का मतलब हो गया ड्यूअल साइन, तो 8th हाउस इज ड्यूअल, सो देयरफॉर एंड 4, 8 इज देयर। दशा भुक्ति अंतरा इज 4, 8 एंड 8th हाउस इज ड्यूअल, सो देयरफॉर द चाइल्ड इज अडॉप्टेड चाइल्ड लीगली, बट 3, 8 भी नजर आ रहा है उसमें। ओके सर, थैंक यू सर। इसके बाद आ जाते हैं कि 2 kids, दो मतलब ट्विंस, पहला ये दोनों कंडीशन शुड बी फुलफिल इन द हॉरोस्कोप ऑफ पेरेंट्स, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, मदर एंड फादर, पेरेंट्स स्पेशली, ठीक है ना, मदर एंड फादर। तो ये हो गया नंबर 1, 5th हाउस शुड बी डूअल, पेरेंट्स दोनों, सेकेंड पीपीए शुड बी ऑफ
जुपिटर मर्क्यूरी, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि ट्विन पैदा हो। अब जिनके अगर डुअल हाउस हैं, डुअल हैं फिफ्थ हाउस, जरूरी नहीं कि एवरी टाइम जब वो कंसीव करें तो ट्विन से कंसीव, और ये कंसीविंग का टाइम देखना है। अगर दो कंसीव होंगे तभी दो होंगे भाई। जुपिटर और मर्करी दोनों का टाइम साथ चलना चाहिए या जुपिटर ऑब्लिक मर्करी है, दशा भुख के अंदर में कोई एक हो सकता, दो हो जाएंगे तो हो जाएगा। अब ये है ना सर जी, जैसे इनका देखो कि छोटी चीज देखो जरा, ये जो हस्बैंड का हॉरोस्कोप है, पैन जी का है ना। अच्छा बड़ी पैन जी देखो तुसी। देखो ये जो फिफ्थ हाउस है इसके ऊपर चार प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, वीनस मार्स मर्करी सन, तुम्हारे हिसाब से दूर हो गया। और जो सेकंड जो वाइफ का हॉरोस्कोप है उसके अंदर जो फिफ्थ हाउस है उसमें पाइसिस साइन है, तो इसका मतलब ये भी डुअल हो गया। इनके जो है ये हुआ है, देखो राहु 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 मरकरी, ठीक है, राहु राहु मरकरी, ठीक है ना, इसमें कंसीव किया उन्होंने 2000 जनवरी में, ठीक है, और तो मरकरी आ गया। और जब ये 2000 इसका चल रहा था तो इसका 2000 में चल रहा था वीनस मरकरी के जनवरी 2000 जो वाइफ का, तो इसका भी मरकरी चल रहा, तो दो दो बेटियां हुई बाद में, ठीक है। तो ये मतलब एग्जांपल, एक आपने कहा था कि बच्चा जो पैदा हो वो या तो स्टिल बर्थ हो या डिफॉर्म्ड हो या ऑटिज्म हो, इसका कोई जवाब नहीं हमारे पास। स्टिल बर्थ का हमारे पास जवाब है, सैटर्न अगर चल रहा है माँ के हॉरोस्कोप में दशा भुक्ति अंतर में, सैटर्न खराब है खराब लोग तो वही 6/1/4 है तो स्टिल बर्थ हो जाए, लेकिन ऑटिस्टिक चाइल्ड तो माँ के हॉरोस्कोप से देखेंगे, या बच्चा सुनता नहीं है कुछ ऐसी उसमें डिफॉर्मिटी है, इसका कोई जवाब नहीं है। आई डोंट नो, बच्चे के हॉरोस्कोप से भी नहीं पता लगता बच्चे के हॉरोस्कोप से ऑटिज्म है या नहीं। मैडम आपके ना और मैं देख नहीं पाया, मैं एक्चुअली एक लेडी आई थी मेरे पढ़ने, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, और अभी वो गई जैसे, तो मैंने सबको कहा था 25-26 के बाद आप बात करने, तो 25-26 के बाद इतनी बातें करने लगे लोग, मैं आपको बता इतनी बातें हुई, मैं चाह के भी आपका काम नहीं कर पाया, मैं भी कर दूंगा अभी अभी एक वीक में आपसे बात। कोई बात नहीं सर, हाँ वैसे पूछना चाह रही हूँ मैं, कैन वी सी ऑटिज्म का नहीं पता, बच्चे के ऑटिज्म व्हाटएवर, हाँ व्हाटएवर एबनॉर्मलिटी इज देयर, व्हाटएवर इज द डेवलपमेंटल इशू, यस, जैसे बर्थ से ब्लाइंड, ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन मेरे पास है, इसका नहीं है। कई बार लग गया कई बार नहीं लग गया है, ऐसा क्यों? आप देखिए आपके हिसाब से, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि जब राशि खत्म हो गया पूरा पीरियड 120 डिग्री पूरा हो गया, तो 120 डिग्री और 121 डिग्री के बीच के टाइम पे यदि बच्चा जन्म लेगा तो उसके सर्वाइवल चांसेस बहुत कम होते हैं, और उसको यदि प्रॉपर टाइमली एड नहीं मिलती है मेडिकल एड तो शायद वो बचेगा नहीं, या वो स्टिल बर्थ, बस बच्चे का जन्म कब हो रहा है उस टाइम के पीरियड। देखो सर एक मिनट, मैं आपने कह दिया मैंने सर, तो सबने समझ लिया क्या कह रहे हैं सर, आपने समझ लिया जो ऑनलाइन है, पता नहीं ऑनलाइन सर रिपीट करेंगे तो हमें बताया, तो क्योंकि होस्टा आपको समझ रहे हैं। सर कह रहे हैं कि 120 डिग्री जब खत्म हो गया, मतलब एरीज टॉरस जेमिनी कैंसर, तो उसके बाद 120 डिग्री के बाद 121 डिग्री मतलब कैंसर और लियो, फिर 120 के बाद 240 हो गया तो स्कॉर्पियो पाइसिस, फिर खत्म हो गया तो पाइसिस और एरीज के बीच में
ये तीन पॉइंट है। इस समय में जो बच्चा पैदा होता है इस बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है, ऐसा किसी ने बताया सर जी को। तो ये हमसे सवाल पूछ रहे क्योंकि इन्होंने भी इतना कोई इसके ऊपर रिसर्च तो करी नहीं सर। मुझे किसी ने मेरे कलीग के बेटे का गंडमूल में ही होगा ना सर, 12-13 मिनट के अंदर ही डॉक्टर के पास पहुंच गए, डॉक्टर ने भी 7-8 घंटे की पेट के बाद में उसको बचा पाए और अभी भी वो बच्चा जो है कहीं ना कहीं मेडिकल वो मेंटली जो है साउंड नहीं है। सर दिस इज वन, सर दिस इज वन व्हाट आई हैव कम टू नो वन एग्जांपल भी है ना, सो वी कैन हैव 20 एग्जांपल्स विद वन रूल, ये रूल ये लग गया। हमें कम से कम 2-3-4 एग्जाम्पल मिल जाएंगे फिर हम सोचने में मजबूर हो जाएंगे मैं ये कह, और हो सकता है ये ठीक भी हो सकता है, मेरे को पता ना हो, ये सारी दुनिया का ज्ञान मेरे को ही है तो मैं कहता नहीं, ठीक है ना। अब मेरा कहना है सर ये है कि अगर स्टिल बर्थ होगा तो हम बच्चे की ऑरोस्कोप बनेगी नहीं, तो मदर के ऑरोस्कोप में स्टिल बर्थ हो गया, बच्चे की ऑरोस्कोप कब एक्टिवेट होगी जब वो रोएगा, उससे पहले तो है ही, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन टू द मदर्स बॉडी। तो वहां के बाद अगर ये ऐसा होता है, ये आपने थ्योरी जो बताई है मैंने कभी सर मालूम नहीं, मैंने कभी देखी, मैं जानता नहीं इसके बारे में। गंडात होता है सर, वो गंडात होता है, वो ऐसे बड़े सारे रूल्स हैं, इतने रूल्स हैं कि रूल्स खत्म नहीं होते, जिंदगी खत्म हो जाती, कम से कम 10 ट्रक किताबें हैं इनके पास, हमारे पास है नहीं एक पेज से ज्यादा पढ़ाने का, मैं A4 साइज के अंदर सारे जितने कॉम्बिनेशन है एंड में आपको लिख के दे दूंगा कि यही मैंने पढ़ाया था भाई साहब, 6 महीने के बाद आप ही मेरे पीछे पढ़ोगे, यही पढ़ाने पढ़ाया था, पढ़ाना था क्या, क्योंकि थ्योरी इज लेस बट इट इज प्रैक्टिकली इजी टू यूज एंड इट विल गिव रिजल्ट्स। जो वो है सर 5 ट्रक किताबें लगा के नहीं चलाया सकता, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपने बात रखी अपनी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम 2-4-5 और एग्जाम्पल अगर तो देखेंगे तो हम कह नहीं सकते, बट मैंने इस पे ऐसा कुछ कभी ध्यान नहीं किया, मैं आपको सत्य बोलूं मैंने तो कोई ध्यान नहीं किया, बट मैंने इसको परवाह भी नहीं की। उसका रीजन यह है कि इतने एग्जाम के पास और इनके पास अपने कोई वो नहीं है रिसर्च कोई ऐसी नहीं इन्होंने करी होती, तो फिर ये बोल देते हैं जो अपना मर्जी से कुछ भी बोल देते, रोज 2-4 नए रूल बोल देते हैं, रोज इन रूल बोलते रहे और हम उनके रूलों के पीछे चलते रहे, तो ऐसा नहीं है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद एक और चीज हो गई ट्विंस हो गया, अब वो आपने पूछा था मैंने मजाक करके छोड़ दी थी बात ट्विंस वाली है ना, नहीं हाँ नहीं जेंडर ऑफ द चाइल्ड वो मैंने मजाक करके छोड़ दी, ठीक है ना। तो जेंडर ऑफ द चाइल्ड में मतलब ये लीगली एक तो ठीक नहीं, एक मॉरली ठीक नहीं, तो तीन चीजें लीगली और मॉरली ठीक नहीं है, मॉरली ठीक है लीगली देख लेने के बाद। एक डेथ कब होगी वैसे हम बता भी नहीं सकते, इट्स नॉट दैट इजी, हम बात करेंगे जब लॉन्गेविटी का चैप्टर, कब हम बच्चा पैदा करें तब प्रधानमंत्री हमारा ही बच्चा पैदा हो, ऐसा होता नहीं, ऐसा आजकल चाहते हैं लोग कि भाई अब बच्चा तो वो सही होना है सिजेरियन नहीं होना, तो ये 2-3 डेट्स में कब हम जाए तो टाइम भी बता दो। तो वो जो लॉ है जो बताया परमज योगारंग जी ने, अ चाइल्ड इज बॉर्न ऑन द डे एंड दैट आवर, वो तो 4 फीट हो जाएगा, अगर वो 4 फीट हो जाएगा तो परमज योगारंग जी क्या कराया है पूरी जिंदगी उन्होंने क्या किया, वो आप करके देंगे ना, मैंने देखा ऐसे, मैंने अब जो मेरे को बहुत प्रेशर करते हैं मैंने उनको करके भी देखा, मेरा भांजा मैंने बताया कि भांजा मेरा तो उसका मतलब कुछ लोग भांजे ऐसे होते हैं जिस पे ना प्रेडिक्शन ऐसी बैठती है मतलब दिन क्या आवर घंटा और घंटा भी उसी मिनट और सेकंड एक बार ऐसा समझे ऐसा होता है, तो उसके साथ मेरा ऐसे ही होता है। तो वो कह रहे कि जब मैं ये बुक मतलब लिख ली थी 99 की बात बता रही, तो मैंने उससे कहा मैं कहा शैली यार किताब छपनी है छपेगी कि नहीं, उसने मामा जी पहले ना वो यदि वो करानी पड़ेगी क्या लगता है टाइप से फिर इसको प्रिंटर के पास, मैं कहा एक कैसे होगी, बोलते मामा जी कंप्यूटर तो है ही गारे असी लाए था ना, तो वो रात को 9 बजे आ जाता था वो टाइप में टाइप सेटिंग कर दिया, फिर
फिर एक दिन पूछा मामा जी ये है कि कर रहे हैं न्यूज़। मैं कह यार ज्योतिष में की पता चल रहा। मैं कह प्रेडिक्शन होंगी है की प्रेडिक्शन होंगी। मैं कह फ्यूचर बारे देखो तुसी दस सकते हो। मैं कह यार इतना बेइज्जत मत कर तू पूछना तो पूछ। बोलता मामा जी वो ना शादी के बारे में बता दो। तो तब हम मतलब ज्यादा जो है ना दिमाग जो है ना वो था एकेडमिक में ज्यादा शुरू में तो एकेडमिक्स में ज्यादा होता है बाद में आदमी बदल जाता है फिर पैसे में ज्यादा होता है तो एकेडमिक ज्यादा। फिर मैं देख शैली लव मैरिज होगी लिख लो मैरिज मैरिज फिर लव मैरिज होगी फिर कुड़ी जड़ी होगी ए मिलिट्री वाले दी फिर तू इन नसा के ले जाएगी गड्डी जड़ी होगी वाइट कलर की गड्डी होगी। जो बात आई गई खत्म हो गई। 10-15 दिन काम करते रहे। फिर एक दिन आया बोलता मामा जी प्रेडिक्शन गलत हो गई। मैं कहा क्या हो गया शैली। बोलता मामा जी वो कुड़ी सी ब्रिगेडियर दी वो पिछले 3 साल तो लव अवेयर सीगा ना कोई और सफेद गड्डी बसा के लै गया उदा विआह कितने होर हो गया तो तुहाडी प्रेडिक्शन गलत हो गई। मैं कहा चल ठीक है भाई हम हो गई। अच्छा वो तब तक सिस्टर को पता चल गया वो बोली क्यों हम भगा के शादी करेंगे हमारा अपना बच्चा है हम धूमधाम से करेंगे ऐसे करेंगे ये क्या बता दिया वो, मेरा घर में नाम ओम है लिख ले ओम ने क्या बता दिया ये तो मेरे को बोलता मम्मी भी गालियां दे रही थी आपको ठीक है कोई बात नहीं है। खैर एनीवे वो जब लाड़ लड़की भागी मम्मी मतलब सिस्टर भी मेरी लीव होगी चलो लड़की पक्की शादी होगी भी शैली शादी जो होगी तो अब जो है अरेंज मैरिज कर देंगे। फिर वो शैली चला गया चंडीगढ़ में वो अपना काम वाम करता रहा। उसके बाद कुछ दिन बाद उसको फोन आया बोलता मामा जी प्रेडिक्शन ठीक हो गई। मैं कहा क्या हो गया चली। बोलता मामा जी हुण ते कुड़ी जड़ी के मेजर जनरल दी है ते गड्डी भी वाइट है पहले मैं सोचा थे तुहाडी गड्डी लै जाऊंगा तो लेकिन एक गलती हो गई बोलते मैं नहीं कुड़ी बजा के लिया कुड़ी मैनू बजा के लिया ठीक है। अब वो है कि कुछ मतलब कई चीजों पर कई बार सटीक बहुत पड़ जाता है। फिर उसकी हमने सास को नहीं देखा था तो मैं घर गया तो मैं कहा बोलते हैं मैं वंदना लूथरा कल्स क्लब्स में गई थी। मैं कहा वो वजन बढ़ाते भी हैं उतनी ही पहले मैं हूं मैं 120 किलो दिया पहले मैं 180 दी थी मैं घटाया है। मैं कहा अच्छा फिर ठीक है। फिर उसकी मतलब जो है साली की शादी बताई ये बताई फिर पड़ोस में भाई मैं जाता था तो जरो मामा जी आ गए सारे अपनी पत्नियां लेके आ जाओ उस टाइम का मतलब काफी है ना। अब इसका चाइल्ड बर्थ वाज अ प्रॉब्लम तो IVF से हुए। अब उन्होंने कहा कि भाई सिजेरियन होंगे बच्चों तो कहा मामा जी अब डेट निकाल दो। तो मैं कहा ये डेट नहीं निकालते चलिए जो होंगे अपने बच्चे हैं जो होंगे होंगे। तो बोलते नहीं मामा जी तुझे निकालो। अब वो ना कि ये बड़ा प्रॉब्लम होती है जब आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाए। इट्स अ बिगर प्रॉब्लम है सर जो आपके ऊपर विश्वास बढ़ जाए और ये मतलब ज्ञान ऐसा है फ्यूचर बता दे फ्यूचर हमने भी नहीं देखा। तो मैं कहा शैली मत कर ये काम ठीक नहीं ये ठिकान नहीं नहीं मैं कहा शैली अच्छा ऐसे मैं कह 8 तारीख होनी बच्चे का मैंने 8 का बताया आपको कुछ नहीं। मैं कहा शैली 8 तारीख को नहीं होने चाहिए बच्चे बाकी 7 का भी बना दी मैं देखो 9 का भी बता दी उसको टाइम निकाल के दे दी 8, 17 और 26 नहीं सर उतना तो वो नहीं था वो ये कह रहे थे डॉक्टर ने ये कहा था भी 6, 7, 8, 9 कभी भी करा तो वो 17 तक तो जाना ही नहीं था। तो मैंने उसको बोला 8 छोड़ दे 7 भी ठीक है 9 भी ठीक है तो 7 तारीख 9 तारीख को नहीं सर वैसे 17 भी अवॉइड करते हैं क्या अभी यार तेरे कैसे सवाल तू वो क्लास से बाहर निकल दोबारा सवाल पूछो से हंसता नजर नहीं आ रहा अच्छा ठीक है अभी 8 में समझा दो सभी को अभी क्योंकि वही नहीं बात तो भी शुभ मतलब आई शुभ है। मैंने कहा 8 को नहीं कहा 8 को रात को फोन आया मामा जी बधाई हो मुंडा भी होया कुड़ी भी हुई है काजू किशमिश ना रख और 8 तारीख को बच्चे पैदा हुए कोई अशुभ बच्चे नहीं होते 8 तारीख ऐसा कुछ नहीं होता कि अशुभ बच्चे मैं आपको अभी समझाता हूँ अशुभ बच्चे नहीं होते भी 8 तारीख खराब है ऐसा कुछ नहीं होता 8 इज नंबर ऑफ एक्सट्रीम्स बट व्हाट आई वांट टू से इज कि जो मैंने उसको मना किया वही हुआ जो आपका बात है ना मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि जो होना वही होगा चेंज नहीं कर सकते
आनंद पिक्चर का जो एक डायलॉग है तो क्या डायलॉग है सर राजेश कन्नर है, हम सब रंगमंच की कठपुतलियां, कौन कब कैसे उठेगा कोई नहीं जानता, जो ना उठेगा और पैदा होगा, ये दोनों चीजें ये भगवान के हाथ में, ये कोई नहीं जानता। फिर हा 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 भी है एंड में, ठीक है वो आप सुन लेना। तो ये तब हुए जब मैंने मना किया, एंड कई बार जैसे प्रेशर हो जाता है तो करना पड़ता है, तो ये दो चीजें हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे। एंड बिकॉज अब एट की बात आ गई तो मैं एट, हाँ बता तो आठ ही को उसका फोन आया, मामा ही बताई हो है ना, और ये मैंने, ये होता है नंबर ऑफ एक्सट्रीम, तो इसके साथ कुछ ना कुछ एक्सट्रीम जो है वो एसोसिएटेड होता है। क्या एक्सट्रीम होती है, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, बट ये यादगार हो जाती है। जैसे क्या बोलूं, छोटी दीदी या बहन पैदा हो, ये अपने आप में एक्सट्रीम, आपने देखा ही है, ठीक ठीक है। तो मेरा कहना यह है कि इस केस में क्या एक्सट्रीम हुआ कि ये चंडीगढ़ में था, तो काम जो है ना इनका दो जगह चलता है, तो जीआई संभालते थे दिल्ली में, तो ये संभालता था चंडीगढ़ में। तो अब वो मतलब अब बच्चे इतने दिन बाद हुए, एक ही बेटा है, तो एक अच्छा मतलब जो है प्रोग्राम करना चाहते थे मतलब, तो उनकी मतलब वो देख नहीं पाए दोनों बच्चों को। टेंथ को ही सफर्ड विद एन हार्ट अटैक इन डाइट, ये कहीं जा रहे सदर बाजार में, वहीं कोलैप्स हो, तो वो मतलब बच्चों की हम खुशी नहीं मना पाए लाइफ, अगर बच्चों की कोई कसूर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कि बच्चों का कोई कसूर होता, बट समथिंग गेट्स एसोसिएटेड, इट इज नॉट द रीजन दैट चिल्ड्रन आर बॉर्न एन एट, आई रिपीटिंग अगेन। एक ये चीज जो है एट, आपको ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है तो न्यूमरोलॉजी का पार्ट, बट सर्टन थिंग्स ऑफ न्यूमरोलॉजी आर वेरी पावरफुल, मच मोर पावरफुल देन एस्ट्रोलॉजी, एंड इट विल हेल्प अस इन प्रिडिक्शन। हमारा काम है प्रिडिक्शन करने, किसी ने मैंने क्या बोला, एट इज नंबर ऑफ एक्सट्रीम, किसने वो देखा है, कोई चंडीगढ़ गया, मेरी सारी फैमिली चंडीगढ़ की, फैमिली चंडीगढ़ की, यानी लेकिन मैंने पूछा कि आप चंडीगढ़ में सेक्टर 17 के बैक साइड पे, सेक्टर 17 में कौन सी दुकान में रहते रहती नहीं, मतलब वो तो मार्केट थी ना उसके पास, हाँ जी सेक्टर 17 इज अ कमर्शियल, सेक्टर 35 अब तो ऐसे मैं बता रहा ना, सेक्टर 8 17 26 35 44 तो 8 ऑल आर कमर्शियल, 17 इज ओनली कमर्शियल नो रेजिडेंशियल, बट ये सबसे ज्यादा जो है 17 ट्रेडर्स का है, 26 जो है वो फार्मर्स का है, ठीक है ना सर। अब ये बाय चांस मैंने तो किया नहीं सर, ना ली बोझिए को पता होगा कि वो क्यों कर रहा है, उसी ने बनाया सर, मैंने तो बनाया नहीं। लेकिन जब भी आप देखोगे, अब ये एट नंबर मैं इसको डेट ऑफ बर्थ तक से नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि एट कहीं भी लग गया कमाल हो गया। ऐसा कौन सा भगवान है जो सबसे ज्यादा प्यारा और हर एज में सेलिब्रेट, उसके हर एज में भी सेलिब्रेट, और उसको गाली पड़ती है, हम करें तो लीला, तो कृष्ण करें तो लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, चोर भी कहलाया जाता है, और उसी ने कहा मैं भगवान हूं। तो कब पैदा हुए, जब भी आप देखो चेकबुक में एट आवे, फोन नंबर में एट आवे, किसी के डेट ऑफ बर्थ का एट आवे, एट का मतलब हो गया 8 17 26 और डेस्टिनी ए, मतलब हो गया 15 अगस्त 1947, तो हमें कुछ सूर है सारे को टोटल करना है, तो इट इज ए, इसको टोटल करो सर 35 हो गया ना सर, तो 35 में 3 + 5 हो जाएगा, तो इट विल बिकम ए, वी हैव टू
make it to single digit. 26 January 1950, 26 January का हुकम, 26 November का अटैक, तो ये जो है डेट है इसमें कुछ ना कुछ स्पेशल होता है, वो एक्सट्रीम होता है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव होगा तो एक्सट्रीम नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो एक्सट्रीम पॉजिटिव। वही 26/11 का अटैक, 26 जनवरी का भुज का भूकंप, ठीक है। और आप भी अगर गुड़गांव का देखोगे तो जितने भी 8 के सेक्टर हैं सबसे निखद सेक्टर हैं, 8, 17, 36, 44, 53, 62, 63, 80, ये सारे निखद सेक्टर, मतलब घटिया। सर डेस्टिनी नंबर इज टोटल ऑफ ऑल एंटायर डेट, यस उसको टोटल किया ना सर, 6, 8, 14, 15, 4, 19, 7, 26 ओके, ये आपको एग्जांपल दे दिया था। तो ये जो जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ होंगी वो एक्सट्रीम होगा उनकी लाइफ के अंदर, क्या एक्सट्रीम होगा हॉरोस्कोप से पता चल जाएगा, जूते पड़ेंगे एक्सट्रीम, और नेम एंड फेम होगा तो एक्सट्रीम, मैरिड लाइफ होगी खराब तो मतलब डिवोर्स, और एक नहीं तो पता नहीं कितने, मतलब कुछ ना कुछ एक्सट्रीम, अमीर होगा तो कमाल का होगा, गरीब होगा तो रोटी खाने का, डेट एक ही 8 होगा एक्सट्रीम हो जाएगा नहीं, बेसिक एंड द डेस्टिनी आर मच मोर पावरफुल, इसका तो सिर्फ मतलब फर्स्ट डेट है, डेस्टिनी इज मोस्ट पावरफुल। ये मेरा 29 अप्रैल 1964, ठीक है, एक्सट्रीम है ना सर, मेरी बातें एक्सट्रीम है, मैं एक्सट्रीमिस्ट ही हूँ, जो मेरी बातों से देखा एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीम में बात कर, लाग लपेट नहीं करते, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, समथिंग एक्सट्रीम, व्हाट इज एक्सट्रीम वी डोंट नो, ये सिर्फ डेट से ये नहीं पता चलता क्या होगा, ये फिर हम जब साथ में हॉरोस्कोप रख देंगे, जैसे मेरा हॉरोस्कोप इज नॉट बैड फॉर मैरिड लाइफ तो वो ठीक है, जब मेरी दशाएं खराब होती हैं तो मतलब वो मेरे को ऐसे नीचे लपेट देती हैं कि बस त्राही मान त्राही मान, और जब इज्जत मिलती है तो बोध मिल जाती है, इज्जत लुटती है तो भी आनंद आ जाता है, जब इज्जत मिल रही होती है तो मैं उनको बोलता हूँ भाई मत करो ऐसे, भी लुटेगी तो फिर बर्दाश्त नहीं होगी भाई भाई बंद करो ऐसा मत करो, होता फ्लक्चुएशन बहुत होती है हमारा, देख आपने बोला चेकबुक में 8 चेकबुक का नंबर, चेकबुक का जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला 8 नंबर, तो सिंगल 8 नंबर इवन व्हेन टोटल इज नॉट 8, नहीं नहीं सिंगल तो होता नहीं नंबर, तो टोटल तो करना ही पड़ेगा नंबर में, जैसे अकाउंट नंबर 8 चेकबुक तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मोर इम्पोर्टेंट इज अकाउंट, इवन चेकबुक इज, कई बार आप जैसे मतलब मैं बताता हूँ, अभी एक मैडम ने ऐसे कर लिया 10,000 लिख के छोड़ दिया, क्यों नहीं किया, और 10 lakhs ऐसे 10,000 ऐसे लिख दिए और इधर इतना छोड़ दिया, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया, तो अब क्या कर देंगे आप, बस इतना ही करना और तो करना ही कुछ नहीं, तो कुछ फ्रॉड हो जावे कुछ हो जावे, आप समझे मेरी बात, ये जैसे किसी का अकाउंट नंबर 8 है तो या तो बहुत परेशान हो जाए या हमेशा चेक ही बाउंस होते रहते, दोनों चीजें एक्सक्लूड। हॉस्पिटल में जैसे समझ लो कोई रूम का नंबर 8 है, अच्छा भला आदमी जाता है, खांसी जुकाम ही होता है, एडमिट कर लिया मर गया, कैंसर हो गया बच गया, तो 8 कुछ भी कर लेता है। अब ये मैं कह रहा हूँ कि डेट ऑफ बर्थ पे ही डिपेंड नहीं करता, ये 8 तो ऐसा कमाल का नंबर है, ये जान लग गया कलेश, मैं कलेश नहीं सॉरी कुछ कुछ ना कुछ एक्सट्रीम है, ये बिल्डिंग का नंबर 8 है सर, ठीक है। अब ये 8 भी और बाकी नंबर भी दे फॉलो, कीरो वॉज नॉट अ न्यूमरोलॉजिस्ट नॉर एन एस्ट्रोलॉजर नॉर अ कॉमिस्ट, देखो वो एक दो चीजें उसको छोटी मोटी सी अच्छी बच्ची कर गया थोड़ी सी, लेकिन उसने प्रेडिक्शन नाम का कोई मतलब वो अंतर नहीं है, तो उसने ये लिखा कि जैसे 369 किसी का है डेस्टिनी नंबर, या 458 है, या 1247, मतलब तीन उसने सेट्स बना दिए, आंसर 9 नंबर तीन सेट बना, तो इनको जो है यही नंबर फॉलो करते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ बता दो 18 मार्च 1996 9, 3, 1, 4, 6, 10 ठीक है, सो यू फॉल इन 1247
इसमें फॉल करता है, तो तेरे को वन, क्योंकि तू वन में टू में फोर में जाना, तो तेरे को वन टू फोर ये जो नंबर है तेरे को फॉलो करेंगे। जैसे तेरी एक होगी, दो बच्चे होंगे, चार तू प्रॉपर्टी खरीदेगा, या जब तू समझ ले 31 साल का होगा, 31 और 4 होगा, तो तेरे साथ कुछ बढ़िया होगा या खराब होगा, तो ऐसे फॉलो कर, मतलब ये नंबर फॉलो, तेरा मोबाइल का नंबर इनमें से कुछ हो जाएगा, तेरा अकाउंट का नंबर इनमें, तेरा आधार कार्ड का नंबर इनमें से कुछ हो जाएगा, तो ये नंबर फॉलो करते हैं, बट इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं, इसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बट ये चीज ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि 100% बैठता है, बट 75% मेरी कार नंबर ऐसी हो जाएगी, ऐसा ये चीजें मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर, अब मेरा, अब मैं 8 हूँ, तो मेरा मोबाइल नंबर था पहले 310593, it comes to 6, फिर इसका जो प्रीफिक्स चेंज हो गया, it becomes 93122, थ्री की जगह, और ये वही कम, ये 8 हो गया बाद में, मैंने 6 लिया था जान के, आठ को अवॉइड करने के लिए, वो 8 छोड़ता नहीं, मैं ये वाली प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसको पैसे दे रखे थे, इसलिए मेरे को लेनी पड़ी। ये आधार कार्ड मेरा 8 हो, फॉलो करते सर, वो आपके हाथ में कुछ रहता नहीं, हो जाता है, प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता, हो जाता जी। मैं 27 सेक्टर में रहती थी, तो हमारी लेन में जितने भी घर थे जिनका टोटल नंबर 8 बनता था, या तो वो खाली थे या लड़ाई झगड़े वाले थे। हाँ जी, वो 8 एक्सट्रीम, वी डोंट। और एक, हाँ जी, और एक मेरा फ्रेंड था, वो अपना घर रेनोवेट कर रहा था, तो वो दूसरे हाउस में शिफ्ट हुआ जिसका हाउस नंबर टोटल 8 था, एंड ही वॉज मर्डर्ड। सो इज इट रिलेटेड टू दैट नंबर 8 दैट ही शिफ्टेड देयर? आपको ले जाती है, आपकी डेस्टिनी उस नंबर पे आपको ले जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते। सर ये मंथ होता है, डेट होता है, या फिर टोटल 8 का? टोटल 8, ये टोटल 8 इज मोर पावरफुल, जैसे मतलब जैसे किसी को जो डेस्टिनी विल बी मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। ओके, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 8 है या मंथ ऑफ बर्थ 8 है, तो उसका भी कुछ इफेक्ट होता है? मंथ ऑफ बर्थ तो अगस्त हुआ ना, है ना, वो नहीं सर, आपका कहना है कि सर आपका आपने फिर वो 8 को नहीं करना, मतलब आपने तो डेट अवॉइड करने के लिए बोला ना कि 8 को बच्चे ना हो। मैंने तो दोनों जो है, दोनों ठीक नहीं है, पॉजिटिव है तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है, भगवान कृष्ण की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन आप उनकी जिंदगी को देखो, सत्यानाश जिंदगी है। अगर हमारे को जिंदगी जीनी पड़ जाए, पैदा ही हम हो रहे हैं जेल में, और मामे को देखो गधा, जब तेरे को कह दिया है कि भाई तेरी बहन का जो बेटा है वो तेरी हत्या करेगा, तू बहन जीजे को एक कोठरी में डाला, गधे। फिर कभी पूतरा आंटी है, कभी काली अनाग है, कभी इंदर है, कभी जो कभी कुछ है, कभी फगाना है, कभी लगाना, ये ना पंगा ही पंगा, ये शनि का होता है, हम तो ऑब्जर्वेशन है सर, व्हाट इज साइंस, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्वेशन करते हैं कि एप्पल नीचे गिरता है, एप्पल नीचे गिरता है, न्यूटन ने भी पॉटी तो करता नहीं था वो,
सर एक नंबर है, अगर बैंक अकाउंट को लेते हैं तो वहाँ पे कस्टमर आईडी होता है और उसके अगेंस्ट मल्टीपल बैंक अकाउंट नंबर्स होते हैं। तो अगर कस्टमर आईडी नंबर 8 आता है और बैंक अकाउंट नंबर कुछ अलग आते हैं तो वो चलता है या उसको भी नहीं लेना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा सर अवॉइड करो, क्या कर, तो मैंने ये बात कही नहीं, ये तो मैं अभी बताऊंगा। भाई का 8 है, भाई का टेंशन में आ गया ये तो भाई सर? का कस्टमर आईडी नंबर भाई का 8 है, टेंशन में आ गया कि पैसा चला जाए। अरे सर मैं नहीं कह रहा मैं कुछ गड़बड़ है, मैंने ये नहीं बोला, आप घबराए मत। मैं ये कह रहा हूँ समथिंग एक्सट्रीम, इट इज एक्सट्रीम का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो है ईडी आपको पकड़ेगी। वैसे बता देना सर आज के बाद जो है सर आप देखना 4-5 मोबाइल नंबर बदलने वाले हैं, 8-10 अकाउंट नंबर बंद होने वाले हैं। अरे भाई ना सर, एक क्वेश्चन है सर, एक सीरियस क्वेश्चन है। मोबाइल नंबर भी 8 है, मेरा आधार नंबर भी 8 है, मैं जाऊंगा भी 8 है, मैं जाऊंगा भाई। हाँ बोलो सर, एक ऐसा क्वेश्चन है कि आर यू सेइंग दैट यू गेट फेटली अट्रैक्टेड टू दिस नंबर्स? नो, आई एम नॉट सेइंग यू आर अट्रैक्टेड टू दिस नंबर, या आई एम नॉट सेइंग फॉर फेटली अट्रैक्टेड। फेटल का मतलब तो सर समथिंग, नो नो डोंट गो बाय द वर्ड फेटली, बट यू गेट अट्रैक्टेड टू द वर्ड, टू दैट नंबर, से टू मतलब वो अट्रैक्ट कर लेता मेरे को। मैं इस प्रॉपर्टी का बताता हूँ जो मेरे हाथ में कैसे आई, हाथ में का मतलब मेरे को क्यों खरीदनी पड़ गई। ये सज्जन ये ही वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इन डीएलएफ, ही टुक रिटायरमेंट एंड बिफोर टेकिंग रिटायरमेंट leaving the job, he took this plot in an auction. ये जो काम में बैठा हूँ ये पहले plot था from DDA, Delhi Development Authority. ठीक है? तो 3 plots were there on the auction on the same day. सर ये 2 आगे वाले, एक ये. तो इन तीनों का reserve price was 17 lakhs. So first went और 60 लाख, सेकंड वन 80 लाख, ये कितने में गया होगा सर? इसकी बिड वेंट फॉर 90 लाख, इट वेंट फॉर 70,40,000, इट वेंट फॉर 70 लाख ओनली, एंड ही डिडंट हैव 17 लाख इन द पॉकेट, ही जस्ट हैड 1,70,000, ही गेव दैट 10% ऑन दैट डे, एंड देन ही हैड 3 मंथ्स टू रीपे to pay the money. So he took two partners, one is brother-in-law Jijaji, another is sir Netraj hota tha na yahan par Motinagar mein, ab wave ho gaya ye, to iska malik, inhone paise dala 17 lakh aur plot aa gaya. Ab banane ki sochne se pehle hi kya hua, dono ka accident ho gaya, Netraj ke malik ki death ho gayi aur inke Jijaji चोट लगी, एक आंख चलेगी, इनको लगा कि ये प्लॉट हमारे लिए, अब शकुन है, इन्होंने कहा जी हमारे पैसे वापस, इसने बीवी की चूड़ियां बेच पीएफ निकाल ये कर करा के पेमेंट दे दी, कुछ उधार लेके, अब इसके बाद बनाने का पैसा नहीं था, अब इसने जो भी है इधर से उठा के उधार काम शुरू किया, मुहूर्त निकाला मैंने वो मैंने इससे पहले जिंदगी में कभी मुहूर्त नहीं निकाला था। तो इसकी वाई फाई तू भाई ज्योतिष ज्योतिष करता रहता, मुहूर्त निकाल दे 95 की बात, हमें को पता है मैंने बड़ी मुश्किल से मुहूर्त निकला, मुहूर्त निकाल के दे दिया। अब होता है दिल में कि भाई ये बताओ कि ये होता है अभी काम अच्छा चल रहा होगा, होता है ना, तो मैं काम कैसा चल रहा है, बोलते वो बेसमेंट खोदी, सुबह आते हैं पानी भरा होता है, बेसमेंट खोदने के बाद तो महीने से पानी निकल रहा है, काम तो चल नहीं रहा। मैं तो अपना मुंह छुपा के साइड में आ गया, मैंने जाते जाते पूछ लिया मकान इसका प्लॉट का नंबर क्या है, उसने बोला M8। मैंने अपना मुंह छुपाया साइड में, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा 8 नंबर है, इनको तो बड़ा पंगा होगा। मेरी वाइफ शुरू से इंटेलिजेंट रही है, उसने जाके उसके बता दिया तुम्हारी तो जिंदगी गई है, प्लॉट तुम्हारी जान ले लेगा। उसने 4 बढ़ागी कही होंगी, मेरी वाइफ हमेशा 4 बढ़ागी कहती है, आपको पता जनानी होगा क्या। वो मेरे पास आ गया लड़ने नहीं, बोलता यार M का M हमने नहीं, हमने सिर्फ नंबर ले,
तो उसने मेरे को कहा, बोलता तूने क्या बैम डाल दिया है, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ इसका, ये मैंने अपनी माँ के नाम पे शुभ प्लाजा बनाऊंगा, फिर फादर के नाम पे ये बनाऊंगा, ठिकाने के नाम पे वो बनाऊंगा, इसको बेच के ये करूंगा, तीन बनाऊंगा मैं अपनी जिंदगी में, और हम सिंध के हैं, हम सिंध के नाम से भी एक बनाएंगे, तुम क्या जानते हो, तुम्हें पता क्या है अपना। मैं भी यहीं बैठा हूँ, आप भी यहीं बैठा हूँ, मगर बड़ी बड़ी बातें दुनिया करती है उसमें क्या, मगर आप ये कह रहे हो ना मैं इसको बेच दूंगा और एक और बना दूंगा, मैं कहा आप 2003 तक बेच के दिखा देना, मैं कहा हम भी बैठे आप भी बैठे, बोलता मैं अगले साल तक सब बेच बाच के खत्म कर दूंगा, और ना बेचगा ना तो मैं तेरा स्टूडेंट बन जाऊंगा, मैं पूछूंगा कैसे एक करता गया था, फिर हम भी देखें। मैं कहा भाई हम बड़ी बात नहीं कहते, जो हमने कह दी तो कह दी, तूने कह दी तो अपनी कह ले यार भाई, ठीक है फिर देखेंगे। तो साल के बाद वो ये वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट इन एस्ट्रोलॉजी, वहां से मैंने पढ़ानी शुरू की ज्योतिष, वहीं से शुरू हुई ज्योतिष, और 2003 में मैंने ही खरीदी है क्योंकि मैंने उसको उधार पे कुछ पैसे दिए हुए थे, उसके पैसे खत्म हो गए थे, अब उसको डेली मतलब जो एक्सपेंडिचर के लिए प्रॉब्लम होती थी, उसको मंथली एक्सपेंडिचर के पैसे नहीं होते थे, उसके बाद बड़ी समस्या हो गई, पीएफ भी निकाल लिया वाइफ का, ये भी निकाल, तो वाइफ की सैलरी भी बहुत कम आने लगी, इसमें रिटायरमेंट ले ली थी उन्होंने, कुछ करना नहीं, तो ये बहुत मुश्किल में, तो मैंने कुछ पैसे दे दिए, पैसे उधार दे, मुझे पता उम्मीद मिलने नहीं, मैं कहा चल खरीद ही दे, तो आठ ऐसे मेरी जान को पड़ गया, ठीक है। अब जो डेस्टिनी है 2003 की क्या रेलिवेंसी, आपने बोला कि 2003 तक नहीं होगा, 2003 में मैंने खरीदा जी, नहीं 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 आपने उसको बोला ना कि 2003 तक तू बेच नहीं पाएगा, व्हाट वाज द रेलिवेंस, हां 2003 तक ये कुछ नहीं बेच पाया, आपने कैसे कैलकुलेट किया, तो मैंने ही खरीदा, मैं ये बता रहा हूँ वो वी अंडर प्रेशर, वो जो मिलिंद साहब कह रहे हैं कि वो अट्रैक्ट हो जाता है नंबर, अपने आप ही अपनी जान को पड़ जाता है, आपने पैसे बचाने में मेरे को मेरे पैसे तो मिल ले नहीं, चल सामान ही ले ले, है ना, फॉर पीपल हैविंग डेस्टिनी 8, If you have destiny 8, 8 is good for you. शुभ है ये नंबर, शुभ है आपके लिए, शुभ है 8, सिर्फ जो destiny 8 है जैसे मैं destiny 8 हूं उनके लिए शुभ है, बस किसी के लिए शुभ नंबर नहीं है, बाकियों को ये दिक्कत देगा, किस टाइप की देगा ये मैं नहीं जानता। इसमें ये नहीं है कि अगर आप 8 नंबर के मकान में आज रह रहे हो तो आप घबराना मत, ऐसा नहीं, वो आपको यहां पर लेके आया क्या करवाना चाहता है ये मैं नहीं जानता, ये आपके हॉरस को बताएगी, ये नंबर के से इतना मत परेशान हो, 8 होता नंबर एक्सट्रीम का। अब आपका सर जैसे कस्टमर आईडी नंबर 8 है तो उसमें पता नहीं आपके जैसे अकाउंट्स बहुत हैं तो या तो आपकी ट्रांजैक्शंस बहुत होंगी प्रॉफिट कुछ नहीं होगा, या ट्रांजैक्शन बहुत कम होंगी, या चेक बाउंस बहुत होंगे, अब मैं कुछ भी नहीं बता सकता, समथिंग यूनिक विल हैपन, बट यूनिक विल हैपन आई डोंट नो, ये मैं नहीं कहा, कुछ होता जरूर है, यू विल बी अ यूनिक कस्टमर टू द बैंक, ये मैं नहीं जानता क्या, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। क्योंकि तो लोग पूछते अल्टीमेटली यही है कि भाई मेरा शुभ नंबर कौन सा है, ये काम को भी खत्म कर लेते हैं, तो 1247 है, अच्छा इससे पहले 4 बताना पड़ेगा, 4 इज एक्सेंट्रिक, 4 नंबर वाले एक्सेंट्रिक बिहेवियर वाले, 8 का मैडम ने बताया अपना क्या घर का नंबर 36, 35 में कौन रहता भाई, 35 में कोई प्रॉब्लम है, 35 में पड़ोस में 35 में है, कौन रहता है मतलब कैसे है वो घर के, एवरीथिंग इज फाइन, अभिषेक किया हमने, अच्छा अभिषेक आपने अभिषेक किया, सो यू डोंट नो, ओके ओके, एनीवे किसी के आसपास कोई नंबर 200 है, 2006 ठीक है, 197 आपके पास उस प्रॉब्लम में, उस प्रॉपर्टी में
जिसके जिसकी प्रॉपर्टी है उसको तो काफी बेनिफिट होगा सर। अच्छा बेनिफिट हुआ वही है, समथिंग एक्सट्रीम विल हैपन, यू डोंट नो, इधर जो रहेंगे उनको अलग अनुभव होंगे, क्या होंगे हम नहीं जानते। सर मेरे फ्लैट में 1061 में जो फैमिली रहती है उनकी डॉटर के हार्ट में होल है। हाँ कुछ होता है, क्या कुछ होता है सर, मैं बता रहा हूँ, मैं एक फ्लैट में रहता था 503, तो मैं ट्रांसफर होकर पुणे से लखनऊ आया, तो एक्सट्रीम हुआ, आई वाज बीन प्रमोटेड एज ए सीईओ एक्सट्रीम ऑफ द कंपनी, और मैं एक महीने के बाद मुझे रिलायंस हुआ, गलत पंगा ले लिया, क्योंकि जो फ्लैट में जो आदमी था वो रिलायंस में था, वो कंपनी मतलब उसकी नौकरी चली गई थी, रिजाइन। हाँ वही कह रहा हूँ, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। अब इस तरह से एक नंबर है फोर, दो ही नंबर है जो वी कैन से विद अथॉरिटी भी कुछ हो रहा है, आठ अब जज करने लग जाना कमाल होता है। फोर जो होता है ये एक होता है ये यूजलेस ट्रेवल्स, एक्सीडेंट्स, और ये बंदे जिस घर में रहते होंगे ना ये एक्सेंट्रिक होंगे, सब कोई बात करने से कतराएगा इनसे, उन लोग ये बोलेंगे वो ये है या नहीं हम नहीं कहते, बेसिक या डेस्टिनी कुछ भी आ रहा है, हमें बेसिक डेस्टिनी की बात नहीं, मैं इसके घर में इस तरह से फोर जिसका भी होगा बेसिक होगा डेस्टिनी होगा आपको एक्सेंट्रिक ही नजर आएगा। बेसिक क्या होता है, फर्स्ट नंबर चार, तेरह, बाईस, चार तेरह बाईस को नहीं, डेस्टिनी फोर में काफी कुछ नजर आएगा, उन लोगों को लगेगा अजीब सा आदमी है, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ कहीं कभी भी कुछ भी कह बैठता है, मेरा बेटा डेस्टिनी फोर है। चलो अब आ जाते हैं कि लोग ये पूछते हैं कौन सी प्रॉपर्टी लू, कौन सा व्हीकल लू, ठीक है ना, उसका नंबर बताओ, ठीक है ना, इसको ये भी कर ही लेते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड एट फॉर एवरीबडी एवरीवन एक्सेप्ट एट फॉर एक्सेप्ट फॉर डेस्टिनी एट, ठीक है ना, डेस्टिनी एट वाले को आप एट कर ले, फोर अवॉइडेबल फॉर एवरीबडी, सब अवॉइड करेंगे, ये व्हीकल के लिए भी और प्रॉपर्टी के लिए बेसिक नंबर हो तो भी। सर मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी आदमी हो, आदमी फोर अवॉइड करेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी का जो व्हीकल का, प्लीज अवॉइड, जो भी गाड़ी फोर है उस कार में एक तो चलेगी बहुत, उस पर खर्चे बहुत होंगे, उसके बेमतलब के पंगे रहेंगे, वॉलेट हो सकता है कुछ कुछ। सर टोटल फोर हो या फिर उसमें कोई भी नंबर फोर ना हो, मैं बता देता हूँ, नहीं कुछ भी वो तो मैं ये अवॉइड नहीं किया, अब आपका ये है मेरी कार का नंबर है ना, आपने सिर्फ नंबर को ऐड करना है बस। अच्छा ठीक है सर, प्लस टू प्लस थ्री प्लस सेवन टू एट, ओके ओके। अब ये तो आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, हमारे यहाँ की हमारी अथॉरिटी फोर नंबर है, तो क्या करोगे, अल्फाबेट के नहीं करना, ये डी एल पी का नहीं करना, तो ये एट मेरे लिए ठीक है लेकिन बाकियों के लिए खराब है, ठीक है ना, दूसरी हमारी कार है, बाकी मतलब आपके फैमिली मेंबर्स भी समझे, नहीं आपके लिए ठीक है लेकिन बाकियों के लिए खराब है, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स के लिए भी खराब है, बाकी चढ़ ही नहीं पाए उस पे। मतलब कि सिर्फ अगर आपके लिए आप कुछ भी एट लोगे लेकिन आपकी वाइफ बच्चे उनके लिए भी वो ठीक नहीं रहेगा, पहले हस्बैंड ही बता रहा हूँ उसके लिए। मतलब बेसिकली यू आर राइट, इट इज गुड फॉर मी नॉट गुड फॉर हर, आई शुड कीप इट, आई शुड ड्राइव, शी शुड ड्राइव, राइट, बट कभी कभी तो बैठेगी आने जाने, हाँ वही वही, दूसरी बैठ जाएगी तो वैसे मेरी जान तो एट या फोर या फाइव को पड़ना पड़ता है, वो दूसरी बिठाई तो बच गई, चलो उसने देख लिया तो आप समझ सकते हैं मेरा क्या होगा, फिर मैं बोला बस ज्योतिष मत पढ़ा, तो बेटा इधर आ जाओ।
ठीक है, वो समझ रहे हैं। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो फोर हैज टू बी अवॉइडेड, चार पांच और बारह चार सोलह सात है ना, तो इसका होगा हमारा डीएल ये सिक्स होगी, फिर सिक्स सी डी ऐसा कुछ है, ये हमारी वो है प्रयो है, तो उसका टोटल जो होता है फोर हो जाता है। एक आध वायलेंट एक्सीडेंट हो चुका है, उसका टायर पंचर ही रहता है, इसका कुछ टायर पंचर ही रहता है, मतलब कोई ना कोई टायर, अभी निकलूंगा बाहर कहीं में जाना स्पेशली, तभी कोई ना कोई क्लेश पड़ेगा, तो मेजर कुछ कभी पंगा नहीं हुआ, एक वायलेंट एक्सीडेंट हुआ, बाकी पंचर रहता है। चल दे मतलब सर, मान लीजिए फोर किसी को ऐसा कुछ नहीं देता है तो इल इल इफेक्ट्स नहीं दिए सर, ऐसा आपको पॉसिबल हो सकता है सर, वो था नहीं सर, फोर को आपको अब देखना शुरू, मेरा कार का नंबर 14CX आरजे 270 पांच दो सात सौ चौदह आठ बाईस इसमें फोर है, इट्स ओके, पांच सौ ठीक है, फिर इट्स गुड, बट कोई ना कोई कलेश फोर में रहेगा रहेगा, इट शुड बी अवॉइडेड। मकान नंबर है सर, मकान नंबर कितनी चलती है सर, कम चलती है, कितनी चली होगी सर, पांच सात बारह बारह हजार, अच्छा बारह हजार से चलाई नहीं आपने, बट नॉर्मली इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग फोर चलती हो, कमर्शियल के लिए तो बिल्कुल ही हम काटा मार देते हैं, लेने ही कमर्शियल में वैसे ही बहुत चलना है सर, उसमें ब्रेक डाउन होना इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है, तो आपने चलाई नहीं अच्छी बात, मेरा आठ आ रहा है गाड़ी कितनी चलती है सर, चार तो एक मेरी का भी आ रहा है जो खड़ी इन्हें नहीं ली देती, एक एक्सीडेंट हो ठीक, बट चलो वो तो जो आपके अनुभव है आप और अनुभव करना सर, आप देखना पैरों को देखना आठ को देखना चार को, यू विल फाइंड नो 100% तो कुछ भी नहीं होता, कई एट होंगे जिसमें कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन होने वाला सर ये कीरो ने, नहीं 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 ये आठ चार कीरो नहीं है, वो कीरो है, कीरो को कोई जल ज्योतिष का ज्ञान था ना न्यूमरोलॉजी का ना केमिस्ट्री का, जो लोग मशहूर होते हैं नॉर्मली को ज्ञान नहीं होता सर, जो बेजनदार होगा उसको कोई ज्ञान नहीं सकता, पर ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं उसको, उसको तो वो एमए अंग्रेजी वाले बच्चे जो है वो साल का वो लिख देते हैं, एक उसको क्या लेना देना ज्योतिष, वी आर डूइंग सीरियस स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर हॉरोस्कोप, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एरीज टॉरस है ना, सो मतलब वो कर लेते हैं, जाने सम अप कर देते हैं, अगर हम सभी को कहेंगे एट ना लो फोर ना लो एट ना लो फोर ना लो तो आप इट डजंट गिव ए गुड इंप्रेशन, so whosoever comes to you आपको क्या कहना है उसको, आपको देख लेना उसका डेस्टिनी नंबर क्या है, तू जैसे 1 2 4 7 है, हम तेरे को बोलेंगे 1 ले ले 2 ले ले 7 ले ले 4 मत ले, शुभ है वो 1 2 7 है, इसके लिए ये शुभ नहीं है, लेकिन हम तेरे को भेजा ले 1 तेरे लिए ठीक है 2 तेरे लिए ठीक है 7 तेरे लिए ठीक है, 3 6 9 बोलेंगे इनके लिए 3 और ठीक है, 4 5 8 वाले होंगे 8 के लिए 8 ठीक है 4 के लिए 5 ठीक है 4 5 के लिए भी 5 ठीक है, ये थोड़ा सा टफ 4 के लिए 5 5 के लिए 5 4 को 8 तो बोल नहीं सकते, 8 को 8 भी बोल सकते हैं, फॉर 8 8 एंड 5 फॉर 4 ओनली 5 एंड फॉर 8 तो 8 हो ही गया एंड फॉर 5 योर लकी नंबर इज 5, वो लोग पूछते हैं ना तो बताना है, नहीं बताना है तो औरों से पूछो, आदत है लोगों की पूछने की, फोर नहीं करता, फोर में प्रॉब्लम रहती है सर, फोर में कोई ना कोई समस्या रहती है, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ बड़ी गाड़ियां एक्सीडेंट हो रही है वायलेंट है ऐसा मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि फोर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज में किसी ना किसी चीज में क्लेश पंचर टंचर रहता है, किसी का फोर है सर, ये चार का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सर मेरा 8th में 1974
1974 है ना, आपको 4 हो गए, सच्चाई के लिए 4 हो गए। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कलेश पड़ा रहेगा हमेशा, जैसे मोबाइल लेंगे पंगा, एसी लेंगे उसमें पंगा, फ्रिज लेंगे उसमें कलेश। ये नेचुरल है, ये रहेगा, ये राहु का है, ये होता रहता है, ये कोई अब चाहे कहीं भी हो 4 आपका। मैं ये नहीं कहता कि सारे मोबाइल ही खराब हो जाएंगे आपके, बट एक जनरल है कि ये आपको इन चीजों से तिया पांचा होता रहना पड़ेगा। नया खरीदा, अब जैसे सर ये है, मेरा बेटा है उसका डेस्टनी 4, उसको मैंने लगा दिया हिटैची का एसी, इससे बढ़िया एसी मैं अफोर्ड नहीं करता, तो मेरे को घटिया सामान लेने की कभी कोई इच्छा नहीं होती। फर्स्ट डे फर्स्ट उसके बाद वो गैस लीक कर गई, पापा गैस लीक कर गई, हर सीजन में गैस लीक कर दी, पापा ये एसी बेकार है, हिटैची का मत ले। मैंने उसका एसी उतरवाया, लगा दिया ड्राइंग रूम में, 2 साल हो गए, 2 साल में उसको नया हिटैची का लगा दिया, हिटैची का फिर खराब हो गया और उनके पास पार्ट्स नहीं है उसमें, तो 2 साल में खराब हो गया, और उसका वो बोला है वो गलगी कोई, तो मैंने कहा भाई नहीं गल सकती, मेरे पास ये 15 साल से है, गल नहीं सकती, 2 साल में कई बात वो गल जाएगी। अब उसका 4 है वो गल गई जी, वो मिलेगी नहीं जी, आप 60% पैसा वापस कैश दे दो भाई, क्या कर सकते, यही चलाता है फोन नंबर कार ज्यादा, जिसके होता पंचर ही रहती है सर, कोई मेजर इशू तो नहीं हुआ, नहीं कर कोई मेजर इशू नहीं हुआ, गाड़ी गाड़ी बड़ी ले, पंचर पर पंचर दे पंचर, मोबाइल लेता है हर, मतलब इसका मोबाइल खराब है पुराना, मेरा भी 4 है, मेरा भी रहती है उतनी नहीं रहती। जैसे सर मैं हूँ, अगर दोबारा कुछ लेना हो तो मैं अपने नंबर से अपने नाम से कोई गाड़ी वगैरह ना ले, yes. क्योंकि मैंने एक गाड़ी अपने लिए जो अपने नाम से ली, वो वही खराब रही, वही इसी पे पंगा रहेगा, वो पंगा के हमें चलाने कोई मन है तो यूज ही नहीं हुई नहीं। जो भी चीज लो हस्बैंड के नाम, चाहे प्रॉपर्टी हो सर, नहीं प्रॉपर्टी का अलग है फार्मूला, दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, अगर इट इज पॉसिबल, उनमें कोई पंगे पंगे होते हैं, क्यों होंगे ये इसका कोई इलाज नहीं, एप्पल का फोन है, कभी इसका कैमरा खराब है, इसका फलाना खराब है, ढीगड़ा खराब है, नंबर 1 चार्जर खराब है, जो आज खराब पड़ा ही मैकबुक का खराब पड़ी, कोई ना कोई पंगा है मैकबुक का, मैकबुक खराब नहीं होती, छह बनता है और डेस्टिनी नंबर 6 बनता है और 6 बिजनेस है और किडनी ट्रांसप्लांट। सर ये 6 का मतलब है एक्सट्रीम लग्जरी, आपके पास जो लग्जरी होगी कि हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन 4 है आप, मतलब जो क्लेश होंगे वो ऐसे होंगे जिंदगी में कि अचानक जो चीज अचानक, और ऐसा क्लेश हो जाएगा अगर हेल्थ खराब होगी तो डॉक्टर नहीं समझ पाएगा, नहीं आपके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, समझ लो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खराब हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इंजीनियर पागल हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, बिकॉज यू आर हैविंग 4। लेकिन आप घर के अंदर मतलब वो लगे होंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, बैटरी है वो टॉप क्लास गाड़ी होगी, बिजनेस करते होगे, बल्ले बल्ले है ये आपका बेसिक 6 डेस्टिनी, मौज करो। अभी तो मैं आपको बार बार बहन जी कह रहा हूँ, बहन जी क्यों नहीं कह रहा, 6 का कोई रिलेशन बिजनेस और किडनी से है क्या, 6 बर्थ नंबर से, वीनस किडनी का सर, वीनस ही जो है वो लग्जरी, अब ये बड़ी एडवांस हो जाएगी न्यूमरोलॉजी, 6 बेसिक्स विद डेस्टिनी 6 विल गिव एक्सट्रीम लग्जरी बट दिस विल गिव कलेश विद फीमेल्स, मतलब सम और द अदर कलेश विद फीमेल्स वो होते रहेंगे जनानी से, अब तो क्या उम्र होगी लेकिन कोई ना कोई पंखा पड़ता रहता, कोई छुटपुट कुटपुट फुटपुट किट 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 रहती, ये भी नेचुरल, लेकिन लग्जरी बियॉन्ड। एंड अब आप तो सर
मतलब अभी क्या कहूँ, मतलब वो दिल ऐसे तोड़ जाते होंगे जनानियों के जिस जगह निकलते हो आप। Excuse me sir. हाँ सर। Excuse me sir. हाँ जी। सर ये जो आपने नंबर 8 का बताया ना सर, इसको हम हॉरोस्कोप से कैसे देख सकते हैं? वो हॉरोस्कोप से यही से देख सकते हैं, ये मैंने इसलिए बताया कि जैसे किसी में डिवोर्स आ रहा है, वो बंदा डेस्टिनी 8 लेके बैठा, वो आया डिवोर्स को, बोला बेटा ऐसा डिवोर्स होगा कि दुनिया याद रखेगी, तू तो याद रखेगा रखेगा, तो गाजे बाजे के साथ डिवोर्स होगा उसको, एक्सट्रीम होना ना, तो बीवी ऐसे ठोक ठोक के उसको डिवोर्स देगी, मतलब जेल भी जावे तो पैसा भी रखो तो ये फलाना भी हो, तो मतलब कलेश पूरा, एक्सट्रीम होना ना। अगर उसको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है पुत्री तो वो फिर अरबों ही, ठीक है, तो ये मतलब है इसका जो मैं बताया 8 और 4 है। सर फॉर आई मीन आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंसोलिडेट, फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी को बताना है व्हाट इज योर लकी नंबर, तो फॉर एग्जांपल किसी का 1 आता है डेस्टिनी नंबर, तो आई कैन से कि 2 and 7 इज लकी फॉर यू, 1 भी एक लकी है उसके लिए। ओके 1, 2 and 7 इज लकी, इज दैट करेक्ट? ओके सारे लकी हैं यार 8, 4 में, बट आपने बोलना है ना अगली बार आपको भी याद रहे, अब हम उसको ऐसे बोले तेरा 5 लकी है, अगली बार बोले हम चलो तेरा 1 लकी है, तेरा 2, हमें भी याद रहना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम उसको क्या, समझे ना, वो पूछेगा कार खरीदेगा तो पूछेगा मेरी कार, अब तो वो चीजें खत्म हो गई है वैसे, अब कार का नंबर ऑटोमेटिक ही आता है, कुछ नहीं कर सकते, इंडिया की बात कर रहा हूँ, मतलब प्रॉपर्टी खरीदता कुछ खरीदता तो हमसे पूछेगा, क्योंकि सब चीजें पूछेगा तो लक्की नंबर भी पूछेगा, लक्की नंबर बाद कलर बाद में निकालेंगे, लक्की नंबर पूछेगा, तो मैं लक्की नंबर बताना है तेरा 1, 2 और 7 लक्की, अगर 5 लेके आ गया तो मुझे ठीक है ले सकता, ओके मना नहीं करना उसको, क्योंकि प्रॉपर्टी अब मिल रही है अच्छी मिल रही है, तो फिर वो पूछ रहा है ना, लेकिन नेक्स्ट टाइम पूछेगा तो हम वही 1, 2, 7 पे अड़े हुए, तो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमें तो याद रहेगा नहीं, इसलिए बोला आप, लेकिन हमारा रूल ये है 8, 4। सर मैं ये सवाल पूछ सर 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 मैंने जो आपको वो व्हाट्सएप किया था, वो जो हिंदी में जो घड़ी वड़ी में लिखा रहता है घटी और वो, सर कैसे सर? तो गरिमा जी इनके सवाल का जवाब दे दूं? हाँ जी सर, प्लीज प्लीज। ठीक सर जी, ऐसा है Indian day is equal to sunrise is equal to 60 ghati. There's a 24 hours, so that means 24 hours is equal to 60 ghati. Halanki 24 hours hum lete 12 midnight to 12 midnight, 0 hours to 0, but one day जो आ गया वो 60 घड़ी हो, लेकिन हालांकि इसको अगर बिल्कुल सूक्ष्मता में जाए तो सनराइज टू सनराइज 24 आवर्स कभी नहीं होता, उसमें 4 का डिफरेंस होगा, एक सनराइज से नेक्स्ट डे बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टाइम पर नहीं होगा, एंड वन घड़ी इज फर्दर डिवाइडेड टू 60 पल, एंड वन पल इज इक्वल टू 60 विपल, या इसको कहते हैं घड़ी पल विपल, या इसको कहते हैं घटी विघटी और पल, या इसको कहते हैं 60 घड़ी इक्वल टू 60 पल एंड 60 घड़ी इक्वल 60 घड़ी में 1 घड़ी इक्वल टू 60 पल, मतलब आवर मिनट सेकंड्स इन अ वे, बट दिस इज मोर प्रिसाइज, सेकंड से ज्यादा होगी ना, क्योंकि 24 घंटे को हमने 60 घड़ी कर दी तो
1 hour में 2.5 hour is equal to 2.5 घड़ियों. लेकिन there is a problem. There is a big big problem. We are talking about birth time in घड़ी. Now please listen to it carefully. ये समझ में आ गई पहली बार? रितु जी समझ में आ गई? हाँ जी सर. भी हैं? सर आ गई. ठीक. अब इसके बाद ये है कि जो हमारे मेरे टाइम है, जैसे आप पैदा हुए जी सुबह 6 बजे, तो ये हमारा टाइम है. इसमें फर्क है. अगर हम कहते हैं यू आर बॉर्न इन 6 घड़ी, देन 6 घड़ी काउंटेड फ्रॉम द सनराइज. अगर इफ समवन इज बॉर्न इन बर्थ टाइम इज इक्वल टू 6 घड़ी, तो 6 घड़ी is to be taken from sunrise. It is not taken from 12 midnight. So it's very tough. So पहले फिर हमको sunrise निकालना पड़ेगा, फिर sunrise में हम 6 घड़ी 10 निकाल लेते हैं. 4 घंटे हुए हैं, तो 4 घंटे हम ऐड करेंगे. अब कभी sunrise 7 बजे भी हो सकता है भाई, कभी sunrise जो है 5:30 बजे भी सवेरे होता भी है ना, पता भाई है ना. तो इट इज टफ टू कैलकुलेट. कैलकुलेट हो जाएगा आप समझ रहे, लेकिन ये इसका घड़ी का मतलब है कि घड़ी लेनी है हमको कब से, सनराइज के बाद. इतना पंगा नहीं करने चुका है क्या, इतना पंगा नहीं करने चुका है. सिंपल क्या है, ये आप गए सॉफ्टवेयर में, इधर डाली ये घटी पर टाइम. ठीक है, सॉफ्टवेयर भी कैसे देखते हैं बता दीजिए. ओके सर, फिर मैं आया 1 मिनट में सर. अभी हमें थोड़ी देर बैठना. कौन सी क्लास है? ये हो गया हमारे पास सॉफ्टवेयर जो है, ये इसमें इतना क्लेश करने की जरूरत नहीं है कि पहले भाई सनराइज को ढूंढो, फिर उसमें घड़ी डालो, फिर घड़ी को अवर मिनट में तो करो. ये अभी मेरे को सिखाने में आपको कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, और उसको करने की हमें जरूरत नहीं है. आपने सिर्फ ये घड़ी पहले ना, फिर इसमें अब समझ लो उसके अंदर लिखा हुआ है 10 घड़ी. आपने 10 घड़ी डल गई आपकी, तो मेरा 10 घड़ी 15 पड़ रहा है. ठीक है ना, और ये डेट ऑफ बर्थ होगी समझ लो 1970. तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप कैलकुलेट कर लेगा सनराइज क्या है, फलाना क्या है, और ये इसको आपने ओके किया, और ये आपको अपने आप इसने टाइम निकाल दिया 9 hours 32 minutes 21 seconds. उसने अपने आप निकाल दिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं सर.
बोलो सर जी। सर ये तो मेरे को समझ में आ गया था इससे, लेकिन मैंने आपको जो भेजा था इसमें जैसे लिखा हुआ है, जैसे किसी की जन्म कुंडली आया कि सपोज संवत साके कार्तिक कृष्ण पक्षे चंद्रवास रे, फिर लिखा है 26 वो घटी है, 26 घटी 42 कृत का, अब इसमें लिखा 26 42 कृत का नाम नक्षत्र 26 58 व्याति घात योगे 452 घर करने 26 42 कहीं तो छोड़ दो बच्चे की जान लोगे। सर मतलब इसमें कौन सा टाइम, टाइम कौन सा है इसमें, ये नहीं समझ में आ रहा। यही तो नहीं लिखते खसम, खसम यही तो नहीं लिखते। मैं आपको हाँ। ये जाओ एक मिनट, पहले एक मिनट देख लो, ये आपने जो बोला है पहले लोगों को समझ में आ जाएगा यार बोला गया आपने जी, ठीक है जी। देन वी विल गो फॉरवर्ड। इसमें ना सर आपको मिल जाएगा यहाँ पर यूटिलिटीज में, ये पता नहीं ऑप्शन में, हाँ यूटिलिटीज में सर पंचांग बताया तो ठीक है ना। आपने यहाँ एडी डाल दिया, ये तो इंग्लिश इधर ही संबत आ जाएगा अपने, हाँ ठीक है वो आ गया, वो मैंने तो समझ लें यार सॉरी। ये हो गया 2019 हो गया ना सर जी, ये हो गया 2058, तो व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन 58 एंड 19, कितना हो गया सर जी, कितना हो गया 58 माइनस 19, 58 माइनस 19 39, तो ये फिक्स है, मतलब ये जो डिफरेंस है, ये जो संवत है इट इज कौन सा संवत हो गया, ये विक्रमी संवत है, दिस इज नॉट शक संवत, दिस इज विक्रमी संवत, तो इसमें विक्रमी संवत लिखा होगा, शक संवत अलग से बेशक लिखा हो, विक्रमी संवत जरूर लिखा होगा, ठीक है तो इसने बता दिया अब तो ठीक हो गया बिल्कुल बल्ले बल्ले। चल ठीक, अच्छा बताओ डेट, वो बता दे डेट यहाँ पर, मतलब कौन सा ईयर है, 2023। ठीक है अभी हो गया हमारा 2023, और मंथ कौन सा सर, कार्तिक, तो कार्तिक कार्तिक ठीक है, कृष्ण पक्ष ऊपर कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष तो ये कार्तिक का महीना है, ठीक है ना, कार्तिक का महीना का मतलब हो गया ये जो है ये दिवाली के आसपास का हो गया जी। आपको हिंदी में याद करना, मेरे को भी याद नहीं है भाई जी, ये मतलब ना कार्तिक वो जेठ प्राण, मतलब किसका जेठ किसकी नंद, मुझे नहीं, मेरे को मन तो याद नहीं होते भाई ना की, तो ये आपको ये पंचांग में ऐसा ही मिलेगा, ये इंग्लिश में ही मिल जाएगा आपको, मतलब इसी सॉफ्टवेयर में हिंदी, अगर आप हिंदी मिल जाएगा तो इसमें कार्तिक मंथ ऊपर लिखा हुआ है, विक्रमी संवत 2023 हो गया, तो ये अपने आप बता देगा आपको ईयर कौन सा है, कहाँ लिखा भाई ईयर लिखा है, सर लास्ट हाँ लिख दिया 30-10 ठीक है ना, 30-10 मतलब ये अक्टूबर 66 का करीब का होगा जी। मैं लिखी है ये तिथि, तिथि सर दो है, दो चंद्रवास रे, दो दूसरा है कृत का नाम नक्षत्र, तो नक्षत्र ठंड कूल है यार, ठंड नहीं स्प्राइट क्यों यार, तुम जून का महीना है स्प्राइट तो पिया करो, एक मिनट ठहरो यार, ये कहाँ गया, ये हो गया कृष्ण पक्ष, कौन सी तिथि थी सर, दो अब ये दूसरी तिथि है ना, तो ये दूसरा एंडिंग टाइम लिखा हुआ है, तो उसमें लिखा होगा 18 आवर, ये आवर्स मिनट में लिखा हुआ है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं घटीपल में भी, हमारी मर्जी है। अच्छा इफ वी वांट वी कैन, इस तरह से नक्षत्र कृतिका है, एंडिंग टाइम है रात का 9:16, उसमें घटीपल होगा 40 जी, ठीक है ना सर जी, योग है व्यातिपात करण है सनराइज, उसने लिख दिया 6:32:27 सनराइज है 17:37, ये एक्चुअली मैंने गलती से ले लिया मतलब दिल्ली का, आपका जो भी बर्थ टाइम होगा जी आपका है ना वो अलग बात होगी, साइन जो हो गया टॉरस हो गया ठीक है ना उस, और ये डेट हो गई 31 अक्टूबर 1966 को पैदा हुआ, ये निकल जाती सर जी, लेकिन इनकी आदत है ये टाइम ऑफ बर्थ नहीं लिखते, इस पूरे कलेश के अंदर टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, इसमें लिखा है शुद्ध दिन प्रमाणम, लिखा है शुद्ध दिन प्रमाणम 27:47 ये के टाइम दिन प्रमाणम, ये हो सकता है इतनी संस्कृत नहीं आती,
फिर नॉर्मली ना ये ऐसे लिखो आपको पीछे दे दो भाई फिर नहीं देनी चाहिए तो पीछे दे दो पीछे एक मिनट ठंड ते रख ले बहन ये इसमें लिखा होता है ना संस्कृत में ये ना सर अर्थ पता नहीं क्या क्या है ये मतलब इंग्लिश में उसका मतलब मैंने बता दिया यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ना भाई ये डेट पेज नंबर है 235 इन दिस ऑस्पिशियस ईयर द इक्विनॉक्स टू देखिए यार क्या बोल रहा है इंग्लिश पढ़ ले यार हिंदी किसी का समझ ना आने इन द एम्पायर किंग ऑफ वेल्थ ब्रेव विक्रमादित्य विक्रमी संवत 2058 शक संवत 1923 ऑस्पिशियस मंथ पौष कृष्ण पक्ष ऑस्पिशियस तिथि द्वितीय डे ट्यूसडे 10 घटी 1 पल पे खत्म होगा मतलब नक्षत्र पुष्य 34 घटी 25 पल पे खत्म होगा योग ये होगा उपकरण ये हो गया प्लेस ऑफ बर्थ ये हो गया असेंडेंट ये होगा है ना वो लग्नोदय लिखते हैं ना असेंडेंट ये होगा नक्षत्र पुष्य होगा सेकंड चरण होगा अल्फाबेट का नाम ये होगा सन वो कहता है लगन साइन ये होगा मून साइन ये होगा वर्ण ये होगा वश्य ये होगा वर्ग ये होगा योनि ये होगी गण देव होगा नाड़ी मध्य होगी युंजा ये होगा ये सब लिख देते हैं वो इसमें वैसा संस्कृत में भी लिख देते हैं लेकिन ये कहीं भी इन्होंने ये नहीं लिखा होता भाई पैदा कब हुआ ये तो बता दो भाई तो वो लगन से नहीं सोच सकते नहीं लगन लगन जब बना होता है ना लगन वो 2 घंटे का स्पैन हो गया ना तकरीबन तो वो टाइम एग्जैक्टली बताएं तो भाई हम भी बताएं लेकिन वो फिर कई बार नीचे लिख देते हैं चलो अपनी हमारी भाई तिथि और जन्म समय ऐसा लिख देते हैं बट वो जो सर वो है या टाइम नहीं आई डोंट नो वो आप बताओ क्या है मैं आप उसमें डाल के देख लेता हूँ उसमें सर ऐसे 2-3 टाइम लिखे हुए हैं बता रहा हूँ एक लिखा हुआ है पंचांग शुद्ध दिन प्रमाणम 2747 ओके वो तो बताओ डेट ऑफ बर्थ 29 जून 70 है जी क्या बताया सर वो घटी बल में टाइम 2747 यस प्लेस आर ए टी एच रात आर ए टी एच टी एच रात इधर है सर रात डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड लक्ष्मी भाई एक मिनट देखूंगा बुंदेलखंड है ठीक है जी बुंदेलखंड है ठीक है तो ये असेंडेंट आ गया स्कॉर्पियो आपका क्या निकाला पंडित जी ने नहीं वो तो आपने वो गलत डाली 70 नहीं था 66 आ रहा था उसमें शायद हाँ जी वो आपने जो ईयर डाला ना वो गलत डाला सर सॉरी 66 होना चाहिए है ना 66 ठीक है सॉरी तो 19 नहीं वो डेट ऑफ बर्थ भी तो 27 डेट ऑफ बर्थ तो मैं भूल गया सर आप ही निकाल रहे 31 अक्टूबर थी मेरे ना 31 अक्टूबर टाइम बताना सर 2747 घटी बल में हाँ घटी बल में कर दिया हाँ ये निकला सर नहीं सर ये नहीं है इसमें तुला लगना है तुला लगना ना तो इसको उल्टा कर देते हैं 17-26 को कर देते हैं हम 5-26 हाँ ये ठीक है लग्न वाली तो मैच कर रही है कुछ कुछ पूरा तो नहीं कर रही लेकिन अब ये टाइम मतलब नहीं निकल पाएगा इसका कैसे कुछ सर वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी करनी पड़ेगी क्या होता है कि वो राहु केतु भी कई बार गलत लिख देते हैं राहु केतु गलत लिखने का रिवाज ज्यादा
और शनि भी 0° 13' है तो वी डोंट नो कि उन्होंने कहां बिठाया हो, इधर या उधर। अरे वो सर गुरु उन्होंने गलत बिठा रखा है, बृहस्पति 5th हाउस में है, यहाँ पे तो 10th हाउस में आ रहा, तो इतना फर्क तो हो ही नहीं सकता ना सेम डेट में। चलो कोई बात, हमारा ये वो तो निकाल दूंगा। सर इनका जो टाइम है 27:47 जो बता रहे हैं वो तो लास्ट डे की सनराइज, जैसे वो राहु काल में नहीं निकालते तो हो सकता है वो वाला टाइम हो। राहु काल ये राहु काल जो है ना ये साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था, ये तो जो नॉर्थ के पंडित को पता भी नहीं था जब ये पैदा हुए थे कृष्ण तो मालूम भी नहीं था। नहीं नहीं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो अभी पिछले 10-12-15 साल में पता हुआ है नॉर्थ इंडिया के लोगों को। जैसे ये ना 1978-77 में हमें पता चला डोसा भी कोई डिश होती है, नॉर्थ इंडिया में पहले पता ही नहीं था किसी को, मैं सही कह रहा हूँ। और ये चाउमीन क्या होती है ये भी तभी तभी की बात है, ये वहां से आए थे जो यहाँ बस अड्डे में रहने लगे। सर जो जो वो एक मेथड से निकाला है चौमिन, चौमिन क्या हुआ तो बोले खाएं कैसे भाई, इतनी लंबे लंबे से सांप है खाएं कैसे, और ये नमकीन कैसे, क्योंकि इससे पहले हमने फलूदा देखा था और वो सेवैयां खाई थी, बोले नमकीन सेवैयां, तो ये तो पहले पता ही नहीं था। हाँ जी बोले क्या कह रहे हैं। नेपच्यून और प्लूटो, नेपच्यून प्लूटो सर क्या करना है, यूरेनस नेपच्यून और प्लूटो भी दिखाते हैं चार्ट में लेकिन पर्सनल चार्ट के प्रेडिक्शन में नहीं लेते हैं, इसकी जरूरत भी नहीं है सर। प्लूटो हम जो है कोई स्पेशल आदमी, ये तीनों के प्लूटो कोई बड़ा से आदमी होगा उसी का ही लेंगे। जैसे मैंने बताया प्लूटो जो है अगर खराब होगा तभी उसका मतलब, इसका मतलब ऐसा ही है, मतलब इसका जो सिग्निफिकेंस है जैसे सन का है, मून का है, मार्स का है, इसका मतलब है डिस्ट्रॉइंग ओल्ड एंड देन क्रिएटिंग न्यू, ठीक है, इसका जो बेसिक इसका मीनिंग। दूसरा क्या है कि इट्स ओवर पीपल हु वर्क इन गैंग्स, rules people who work in gangs, so it's a gangster who first plan then they attack, so we have mangal, bade sare mangal, ab isko dusri ka kehte hain bade sare mangal, bade sare mangal kya karenge, koi army hogi pehle destroy karegi, bomb maar degi fir naya hi vada hoga kuch। In my case, Pluto is in the 7th house, which indicates destroying the old kidney and creating a new kidney. Sir, I don't know that. ये इतना नहीं seriously लेना, मतलब इतना लेना इसको हमने। ये तो आपके जो kidney में problem है sir, ये kidney की problem हमारे मतलब सभी जो लोग हैं जिनकी kidney में problem है सभी का Pluto 7th house में बैठा हुआ है तो जरूरी नहीं है sir। और 7th हाउस जो है सिर्फ किडनी नहीं बताता, मतलब वो प्रोस्टेट भी बताता है, तो कौन सा लेना है वो पड़ेगा, वो उसका तरीका लगेगा। बट दिस विल टेक ओनली फॉर पीपल हु आर एट डिफरेंट लेवल, मतलब बिग पॉलिटिशियंस वही कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड एंड मेकिंग, जगमोहन हो गया डिस्ट्रॉइंग वर्ल्ड मेकिंग न्यू, उन्हीं की कोई कुंडली में हुआ, या टेररिस्ट हो गए जैसे मैंने भी बताया जगमोहन के केस में पॉजिटिव ये फर्क होगा, तो ये आम आदमी में फर्क नहीं पड़ता। हम अगर रेवोल्यूशन यूरानस इस तरह से यूरानस रिव्यूलिफाइज रेवोल्यूशन, नेपच्यून जो है कंफ्यूजन, ये जो है ये शनि का बड़ा भाई है, ये राहु केतु का बड़ा, तो अब हम मेरे उसमें देखा है कि भाई मैं रेवोल्यूशन ला सकता हूं, यूरानस मेरा फर्स्ट हाउस में है तो मैं कोई रेवोल्यूशन नहीं ला सकता। अगर मोदी जी का फर्स्ट हाउस में है देन मोदी कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन, एन आईएएस कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, ए चीफ मिनिस्टर कैन ब्रिंग अ रेवोल्यूशन, आई कैन नॉट मेक अ रेवोल्यूशन, ट्रंप कैन, या कोई अन्ना हजारे हो गया, केजरीवाल हो गया, मतलब ये लोग ला सकते हैं रेवोल्यूशन, उमंग नारायण ला सकता है रेवोल्यूशन, हम तो रेवोल्यूशन लाएंगे, बोला आज बीबी सुन ले तू,
तो पानी गर्म नहीं करेंगे तो मैं बर्तन नहीं दूंगा, इससे ज्यादा रेवोल्यूशन हम पैदा ही नहीं कर सकते। और रेवोल्यूशन इससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? नहीं सर, कर रहे हैं ना सर, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी की जो दुनिया है उसमें यू आर ए रेवोल्यूशन सर। छो ना, सुनता कौन है हमारी रेवोल्यूशन? वो सुनता साढ़े सुनता ही कोई नहीं सर। Sir, sir, based on your based on your chart, if your Uranus is in the first house, it is unorthodox work, out of the box thinking. जो astrology शायद आप कर रहे हो। Sir, one और five जो है ना, ये दोनों house में हो सकता है। Unorthodox in the box thinking, so ये कहीं है, मेरे को लगता है कि शायद fifth house में मेरे fifth house में है मेरे शायद, मैं याद है। हाँ, fifth house में निकला सर। Lord of which house sir? Uranus जो है वो है Lord Capricorn का sir. इसका Pluto sign है that is Scorpio, Uranus का Capricorn और Neptune का sir. Uranus and Pluto both in the same house. जैसे हाँ हाँ, वो नहीं करेंगे हम, नहीं बुखारेंगे। It is destroying old values, Vedic astrology, and bringing in new values. In terms of studying astrology, sir, कह सकते हैं, लेकिन मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ भाई साहब, मैं आम आदमी हूँ सर जी, मेरे apply that doesn't matter, you are doing a particular field में you are working in that. हाँ कह सकते हैं सर, but ये बड़े revolution ला सकते हैं, मैं ला पाऊँगा मुझे लगता है। इतनी जो पुरानी चीज़ होती है उसको एक लाइफ में खत्म नहीं होती, जैसे गैलीलियो है, उसने कहा कि अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो सारे अगेंस्ट हो गए, गैलीलियो को मार दिया। ये तो अच्छी बात है, हम 16 सेंचुरी में नहीं जी रहे, तो हमारी सुन लेते दुनिया, मतलब हंस के टाल देती है देखो। लेकिन हाँ ये है कि भाई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हो सकती है, ये इसी काम के लिए है, बाकी ये आम आदमी में डालने वाले, क्योंकि इनकी दशाएं नहीं है कि ट्रांजिट को कुछ खास नहीं है, पड़ा है एक जगह प्लूटो पड़ा है, पड़ा है साल में, पड़ा 20-21 साल में खड़े हैं भैया, बेचे कुछ हो ही नहीं रहा, 20-21 साल बहुत बड़े पीरियड है। सर ये नेपच्यून किसका है? नेपच्यून किस साइन का, किस साइन का लॉर्ड है? पिसेस। ओके, पाइसेस। सर एक क्वेश्चन है मेरा लिटिगेशन पे। सर नंबर लिखेंगे प्लैनेट का? केतु में है जैसे 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12। नक्षत्र में 4, 5, 11, 12। और सब लॉर्ड में 2, 3, 6। और दूसरा प्लेनेट है वीनस, जिसमें है 5, 6, 10, 5, 11, 12 and 2, 3, 6। तो लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इनको देखेंगे तो वैसे 6, 12 इज स्ट्रॉन्गर देन 10, 11। बट हमने जो पढ़ा है उसमें जब हम देखते हैं कि 10, 11 जब आता है वो पूरा कॉम्बिनेशन है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो यहाँ पे 10, 11 पूरा कॉम्बिनेशन है लेकिन 6 से 12 पूरा कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा, तो ये हम प्लेनेट को कैसे पकड़ेंगे? इसको 10, 11 स्ट्रॉन्ग पकड़ेंगे या 6, 12 स्ट्रॉन्ग पकड़ेंगे या इक्वल पकड़ेंगे? ये सर मैंने लिख पाया था ना कि 6, 12 इज वीकर देन 10, 11। तो दिस आंसर योर क्वेश्चन थी कि 6, 12 को हम क्या लेंगे 10, 11 के कोरस्पोंडिंगली। अब ये वैसे ये सी ठीक है, 6, 12, 6 ठीक है ना, इसको हम देखते हैं 6, 12, 12, 6। तो ये वैसे तो ई टाइप है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है क्योंकि इसको 10, 11 ने काफी हद तक घेर चुका है, तो इसकी पावर ई की मतलब रिड्यूस हो जाती है, सम प्रॉब्लम्स। बट इसके साथ क्योंकि 5, 11, 5, 11, 5, 11 इतने हैं तो कुछ होगा तो इट विल सेटल आउट ऑफ कोर्ट। अच्छा आएगी बट इट विल सेटल। अगर केतु की दशा भी चल रही है, मान लो अगर केतु की दशा है और वीनस की भुक्ति है, अभी मतलब अगर किसी पे पेनल्टी आती है या फिर कोई क्लेम कर रहा है तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगा और क्लेम के कंपैरिजन से काफी कम में सेटल हो जाएगा। यस, पे करना पड़ेगा कुछ,
बट ये हमारे मतलब जो है काफी हद तक वो निपट जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगी। अगर कोई पेनल्टी आई है तो वो फिर डिपार्टमेंट से बात कर लो, ट्रिब्यूनल में चले जाओ या आपस में ही बात करके निपटता तो निपट जाएगा ये। अच्छा, और जो 5 और 9 होते हैं ये हमने पढ़ा के 5-9 विल सपोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। यस सर। क्या ये 5-9 लिटिगेशन होने को भी रोकता है? प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग इनटू लिटिगेशन इन द फर्स्ट? बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो हाँ, अदरवाइज नहीं। मैंने यहाँ मान लिया है कि भाई लिटिगेशन मतलब कुछ ना कुछ क्लेश होगा, तो 5-11 ही है। लेकिन ये होगा कि आप अगर मतलब कोई पेनल्टी आपकी आ गई, समझ लाइट की आ गई या कोई और बात आ गई, इट इज विद द डिपार्टमेंट, एंड इफ यू गो टू डिपार्टमेंट सर दिस इज द प्रॉब्लम एंड दिस इज दैट हैपेंड, यहाँ तक मेरी गलती है, यहाँ नहीं है, तो बोलेगा चल ठीक है यार ऐसे कर लो, ऐसे निबट जाएगा। ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ इतने पैसे जमा करा दे, इतना पैसा 500 रुपये मेरे को देती हूँ। अब जैसे सिंगापुर से मैं उतरा, सिंगापुर गया था छोटा था मैं, तो आया वहां से एक चेन ले आया पहन के, एक अंगूठी बनवा लाया। उसने बोला क्या क्या लाए हो? मैं तो घबरा गया, मैं कहीं ये चेन लाया हूँ ये अंगूठी लाया? बोलता बेटा ये गोल्ड लाना है ना, ये इलीगल है, आगे मत कहना। मैं अच्छा सर आगे नहीं कहूँगा। मैंने मतलब पहनी और आगे वो मैंने फिर कहा नहीं, पहन के मैंने कहा मैं कहा नहीं। तो वो मतलब वो जज कर जाएगा आपको कि भाई ये भला आदमी है, गलती भी होगी चलो ठीक है, बट लेट अस गिव अ सॉल्यूशन। अब मेरा जैसा केस है, जैसे एग्जाम्पल है उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, जैसे वीनस है 2, 7, 8, 12, 10, 11 राहु हो गया 3, 6, 12, 9, 12 इसमें अगर प्रॉब्लम आई तो अब 9 अकेला है, यहाँ कुछ 5, 9, 11 है नहीं, जहाँ जाऊंगा वो बोलेंगे बदमाश है ये, बदमाश है तूने कुछ किया है भाई, तू बदमाश है। फाइव नाइन इलेवन जैसे आपके चेहरे से ही 5-11 नजर आता है मेरे चेहरे में, आप समझते हैं ना, उनको लगेगा ऐसा, आप समझ रहे मेरी बात? अब या तो मैं ऐसे मुस्कुराओ मत कृष्ण जी, ये गलत बात है, हम सही सही बात कर रहे हैं, तुम मुस्कुरा के देखते हो। कहने का मतलब ये, जिसके 5-11 होगा ना सर, उसके चेहरे पे चीज ऐसी होगी, लोग उसको समझेंगे कि भाई ये आदमी ठीक है, वो उसके चेहरे से क्या कहते हैं ऑरा, मतलब वो हम इसको ऑरा बोलते हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी में उसको 5-11 प्लीज आप करो ना मेरे से, क्या प्रॉब्लम लिटिगेशन का ही है उसमें, लिटिगेशन कर देंगे आप, मेरे को मेल करो मैं आपको फीमेल करूंगा, चिंता की बात है। मैं थक गया, मेरे तो भी थोड़ा वो करोगी मैं क्या करो, तस खा लो बहन मेरी।